ठीक है, अश्वनी कुमार। ठीक है अश्वनी, वेरी गुड। चलिए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्या बताऊँ। आइए 2/5 को परसेंटेज में बदलिए। हाँ तो देखिए, परसेंटेज में अगर कोई भी नंबर को बदलना है तो हमें उसको 100 से मल्टीपल करना होता है। क्या करना होता है? 100 से गुणा करना होता है। इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, और अगर परसेंटेज का मान निकालना है यानी परसेंटेज हटाना है तो हमें 100 से भाग करना होता है। यानी 25 को क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। फाइनल में 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये इसको काट दीजिए, इक्वल 40% आएगा। पांडे जी बिल्कुल सही है, आपका गलत नहीं है। टॉपिक क्या क्या है यहाँ पर, हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कल हमने प्रतिशत का अर्थ बताया था। प्रतिशत का अर्थ ये कल आप लोगों ने मतलब समझा था। आज हम समझेंगे प्रतिशत में बदलना, और पढ़ेंगे प्रतिशत का मान, प्राप्तांक तथा पूर्णांक से प्रतिशत निकालना। ये कुछ टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आकांक्षा जी बिल्कुल सही है, सपना राठौर जी, नेहा वर्मा, वेरी गुड, आप लोग कोशिश अच्छी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ मैं कल ही बता चुका हूँ, आप सभी जान रहे हो। आइए, प्रतिशत में बदलना, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। सोनी यादव, हाँ ठीक है, कमेंट आ रहा है, इधर थोड़ा सा लाइट कम लग रही मुझे, तो ठीक है। चलिए आइए, फटाफट आइए। 2/5 को परसेंटेज में बदलना है, वो तो मैं आपने कर लिया, निकाल लिया। प्रियांशी सिंह, अश्वनी, ठीक है, बहुत अच्छे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ इधर साइड में। आइए देखिए, 1/5 जो 5 है ना, एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो भैया 100 से गुणा कर देना है, और अगर परसेंटेज का मान निकालना है यानी परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग कर देना है, ये याद रखना। ठीक है, रोशनी कुमारी, शिल्पा केसरवानी, मंजीत, बहुत अच्छा। इसको 100 से सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में बदलना है, में का मतलब इसको 100 से गुणा करना है। 1/5 200, 5 से काट दीजिए, इक्वल आएगा 20। यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाना, लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन दिया है, समझना, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है 5/4 परसेंटेज का मान बताइए, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मान है, यहाँ पर है को परसेंटेज में बदलिए, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हम 100 से मल्टीपल कर रहे थे, यहाँ पे भाग करेंगे, तो 5/4 इसको हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको इसके नीचे एक छिपा लेते हैं, ये तरीका आप जानते हो कि नहीं? फाइनल में पहली भिन्न लिख लेते हैं, इसको पलट देते हैं, 1/100 काट देंगे, हाँ 1/80 आएगा। ये 5/4% का मान है, 1/80। लेकिन इसमें कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आगे अच्छा भी लगेगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए 200% का मान, आप कहोगे ये किस चीज का है 200%? नहीं,
ऐसे ही दिया है अगर तो कैसे करेंगे बताइए, 200% का मान बताइए, कोई बताएगा एनीवन? सबसे पहला जवाब मान सिंह, अनामिका कुमारी, रोशनी, मनजीत। ठीक है आइए, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर परसेंटेज में बदलना है यानी परसेंटेज का चिन्ह लगाना है मतलब, तो 100 से गुणा करना है। सबसे पहला जवाब इसमें जा रहा है, परसेंटेज का मान निकालना, इसमें परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगेगा नेहा वर्मा जी, याद रखिए। ठीक है, इन्होंने परसेंटेज का चिन्ह लगाया है, रोशनी कुमारी। अगर इसका मान निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा, ये भी याद रखिए। भले आपने सही सही किया है लेकिन अगर आपने आंसर में परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया तो उत्तर गलत है, उत्तर गलत है। परसेंटेज का मान निकालना है यानी हमें इसमें 100 से भाग करना है, कट जाएगा, 2 आएगा फाइनल में, इसका 2 आंसर आएगा, सिर्फ 2 आएगा, परसेंटेज का चिन्ह लगाया तो गलत। और यहाँ पर भी परसेंटेज का मान निकालना था, यहाँ पे भी परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज और फिर से समझ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन है 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो भैया यहाँ पर आंसर में चिन्ह लगाना परसेंटेज का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे ना? जैसे 4/5 परसेंटेज में बदलना है, मैंने कई बार बताया अगर परसेंटेज का मान निकालना है तो 100 से भाग करें, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10 तो इक्वल 80 आया। यहाँ पर अगर परसेंटेज का चिन्ह ना लगाए तो उत्तर गलत, उत्तर गलत यहाँ पर लगेगा। कि वैसे हो गया जैसे शादी के लिए बारात इकट्ठा हुई, दुल्हन भाग गई, समझ रहे हो? अगर परसेंटेज का चिन्ह ना लगाए हो तो ये बिल्कुल वैसे लगेगा, फिर आंसर का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो ना? तो आपने क्या क्या सीखा, प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत का मान, ये दोनों साथ ही में सीखा ना। आइए कुछ और भी इसमें से करते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं भिन्न को परसेंट में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हिजा खान समझ में आया, प्रियांशी सिंह सभी को समझ में आया? चलिए किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताइए, नहीं ना? ये समझ गए आप लोग? ठीक है तो बताइए, 14/25 को परसेंटेज में बदलिए, आंसर बताइए इसका जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 10 है मान लीजिए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो ऐसे Q10 और ऐसे कोष्ठक लगा के इधर आंसर, जल्दी करिए। देखिए कमेंट में ज़्यादा देखता हूँ तो ये गड़बड़ है, कमेंट ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, नहीं। 14/25 को परसेंटेज में बदलना है, टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए ना, क्यों भैया? आइए बता देता हूँ, 56% आया है सबसे पहला जवाब नेहा मिश्रा का है, अनामिका का भी ठीक है, और अनुपम मौर्य, ठीक है। 14/25 को परसेंटेज में बदलना है यानी हमें क्या करना है, 14/25 को 100 से गुणा करना है, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100 और 14 × 4 = 56 की परसेंटेज में बदलना था, तो आंसर में परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है कोई डाउट? शालिनी मिश्रा समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इतना तो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे। अच्छा इधर देखो फिर कर लोगे तो बताओ, 0.15 को परसेंटेज में बदलिए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए कितना आएगा, मैं बताता हूँ इसको। देखिए पूछना ही हरदम नहीं चाहिए, बताना भी चाहिए, तो थोड़ा सा मौका देता हूँ, बाकी तो मैं बताता ही हूँ। देखिए जितने भी नए साथी जुड़े हैं सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे ये क्लास, सप्ताह में 3 दिन रेगुलर होती है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को, बाकी अगले 3 दिन रिवीजन होता है, आप रिवाइज कर सकते हैं जिनका छूटा उठा है। ठीक है, आइए। अश्वनी कुमार, अनामिका, सपना, फिजा खान, पहले तो ये पॉइंट में लगा है, जैसे किसी को अगर 2 बीमारी लग गई, मान लीजिए उसके फीवर भी है हल्का और उसके कैंसर भी हुआ है, मतलब या मान लो कैंसर तो अलग चीज़ हो गया, मान लो फीवर भी है, उसको ऑपरेशन भी हुआ है, तो क्या किसकी किसकी दवाई खाएंगे बताइए? पहले ऑपरेशन की खाएंगे जिसमें बहुत बड़ा कीड़ा लगा है, या बुखार वाली खाएंगे? वैसे एक प्रकार देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बीमारी है आदमी कोशिश पहले उसी की करेगा, छोटी मोटी जो है उसको थोड़ा बाद में वरीयता मिलती है ना। तो वैसे इसमें एक से अधिक बीमारी कुल मिला के है मान लीजिए, तो इसमें पहले से ऑलरेडी 0.5 लगा है। ठीक है, तो पहले हम 0.5 हटाएंगे, तो 2 अंक पर 0.5 है, तो ये हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगा। अभी हमने परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ नहीं किया है, परसेंटेज में बदलने के लिए चूंकि हमें 100 से गुणा करना होता है, 100 से मल्टीपल करना होता है, तो अब हम इसको 100 से मल्टीपल करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। अब ये 0 से 0 कट गया, इक्वल 15% है। समझ में आया? मुकेश पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। निवेदन है आपसे श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, हाँ कोई कहाँ से है, तुम ठेका नहीं लियो, पढ़ लीजिए। अगला 0.75 को परसेंटेज में बदलिए, जल्दी बताइए। ब्यूटीफुल गर्ल, नाम तो भाई आप लोगों का बड़ा अच्छा अच्छा है, बाकी काम कितना अच्छा है वो उत्तर में दिख रहा है, आंसर नहीं बताएंगे ना, लजा जाते हैं आंसर बताने में, आंसर बताने में शर्मा जाते हैं। चैटिंग करने को देख लो तो फिर भगवान ही मालिक है, पढ़ाने का मन इधर है चला जाए चैटिंग में। देखिए इसमें अगर 2 अंक पर 0.5 लगा है, यहाँ से एक अनुमान लगा लीजिए, तो उसका आंसर उतना ही आता है, ठीक है, जितना रहता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साना, ठीक है साना, बहुत अच्छे, सना बोलेंगे वैसे, पता नहीं साना एक सना है, भगवान जाने अल्लाह जाने इनके। चलिए आइए देखिए, ये हो गया 0.35 और 0 को परसेंटेज में बदलिए, कितना आएगा? कोशिश करते रहिए फटाफट। 4.25 को परसेंटेज में बदलिए, जल्दी करिए। अरे कोशिश करने में क्या जाता है, लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए, है ना। चलिए तो भैया इनको अगर परसेंटेज में बदलेंगे, हमें सबको पता है इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये 75% आएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए सभी को सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा करते हैं, लास्ट में चाहे जितना 0 लगा दीजिए कोई मतलब नहीं, फाइनल में अगर इनको हम गुणा करेंगे तो 2 0 हमें और आ जाएगा। 3 अंक पर पहले से 0.5 लगा है तो क्या होगा बताइए, जरा सोचिए इसमें क्या आएगा भाई। कुछ कह रहे हैं 35 आएगा, कुछ कह रहे हैं 350 आएगा, पता नहीं कितना। आइए इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, पहले तो हम इसका 0.5 हटाएंगे, 0.5 हटाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 3 अंक पर 0.5 था, फिर 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, हाँ 1 0 से 1 0 यू कट गया, फाइनल में 35% आया, कितना आया 35%। देखिए जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं दर्शक, वो क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा शेयर कर दें दिल लगा के ना, तो ये संख्या 100 के ऊपर हो जाए, और अगर 100 के ऊपर चली जाए ना, तो जो बची हुई थोड़ी सी मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ वो भी कर दूंगा, हाँ पूरा 100% आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए 100 बच्चे भी तो होने चाहिए। ठीक है, ये सबको पता है, इसको भी कर देते हैं। देखिए 4.25 पहले इसमें से 0.5 हटाएंगे, जितने अंक पर 0.5 लगा है उतना 0 लगा के नीचे क्या करेंगे, भाग कर देंगे,
अगर आपको ये नहीं पता कैसे हुआ ना, तो आप पीवीआर स्टडी का बेसिक मैथ देखिए। बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, उसमें सब सिखाया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग किया। अब चूंकि हमें परसेंटेज में बदलना था, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये लो हो गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 425% आया। क्यों भाई, सही है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोगों के दिल में ये दर्द हो रहा होगा कि उतरवा उतरवा ही सही भाई है, गलत है, गलत ढकेले जा रहे हैं। आवा भैया देखा जाए, आवा ये आंसर गलत है कि सही है, आइए इसकी जांच करते हैं। अगर इसको पकड़ के हल करें तो ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ जा रहा तो सही है, यानी बाप को पकड़ो तो बेटवा मिल जा, बेटवा को पकड़ो तो बाप। ये मैथ का नियम है। आइए, 425% परसेंटेज का चिन्ह हटाया जाता है, यानी इसका अगर मान बोला जाए निकालिए, तो भैया हो, मैंने बताया है कि ऐसी स्थिति के लिए 100 से भाग करते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पर दो जीरो है, तो यहाँ पर दो अंक पर दशमलव हो जाएगा। ये तो बड़ा प्यार से आ जा रहा है, फिर वही आ गया ना, यानी जहां से चले थे वहीं पर आ गए। इसका मतलब सही है, कोई भी आंसर पकड़ के आप जांच कर सकते हो। आंसर से उत्तर से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ये इसमें आप खुद ही कर सकते हो। हम सबके साथ हैं, अरे हम नहीं है सबके साथ, ये एक स्टूडेंट है, उनका नाम है, उनका क्या नाम है, हम सबके साथ हैं। लोग तो खुद ही पागल हो जाएंगे सुन सुन के। आइए ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए, परसेंटेज का मान, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत का अर्थ, और प्राप्तांक तथा पूर्णांक से प्रतिशत निकालना। साक्षी त्रिपाठी, आ रहा समझ में? ठीक है, ये लोग काफी खुश हो जाते हैं अगर नाम बोला जाता है। यही तो मिलता है लाइव में, लाइव में और मिलता है क्या है, कोई डाउट थोड़ी बताया जाता है। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं, ये रेगुलर क्लास सप्ताह में 3 दिन होती है, रात के 10 बजे से 11 बजे तक, बाकी 3 दिन रिवीजन होता है। अगर आप 7 दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, वहां पर 7 दिन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र, समझना, 700 के पूर्णांक में 420 मार्क्स हासिल करता है तो प्रतिशत बताइए। प्राप्तांक को का प्रतिशत बताइए। इस पर 4-5 क्वेश्चन करेंगे। बताइए, आपने अक्सर बहुत सारी परीक्षाएं दिया होगा, सबसे पहले हाई स्कूल में ही प्रतिशत देखा जाता है, फलानवा का लड़का हुआ तो 80% पाया है। अरे पहले के जमाने में, हम लोग से थोड़ा और पहले, बड़ा मान होता था, कोई लड़कवा अगर लड़कियां पास हो जाए हाई स्कूल में ना, फर्स्ट डिवीजन, बड़े बड़े गांव में चर्चा होती थी, भैया फलानवा की बिटिया 80% पाया है। आज के जमाना में 99% पाने वाले का भी कौन मतलब, एकदम खिचड़ी करती है, समझ रहे हो ना। तो इसमें सबसे पहला आंसर आया है नेहा मिश्रा जी का, अनुपम मौर्य जी का भी आया है, और मानवेंद्र सिंह। ठीक है, यदि कोई छात्र 700 के पूर्णांक से 420 नंबर हासिल करता है तो प्राप्तांक का परसेंटेज बताना है। आइए मैं देखता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए, इसका एक सूत्र आप मान लीजिए, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक, प्राप्तांक को इंग्लिश में ऑब्टेंड मार्क्स बोलते हैं, इंटू 100 और बटा पूर्णांक। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, अभी ये और भी बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, प्राप्तांक 420 है और 100, पूर्णांक 700 है, 100 से 100 क्लियर, 100 से 100, 7 से इनको काट दीजिए, 7×6=42, 0, 60% जो बता रहा उसका सही है।
कितना है 60%। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमें समझ सक रहे हैं कम से कम, तो दुनिया वाले मुझे समझते का है ना। चलिए तो ये हो गया, सभी कर लिए, ईमानदारी से बताइएगा दिल पे हाथ रख के कितने लोगों का सही था। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। आइए देखिए, ये हो जाएगा ना, तो अब क्या करना है, कुछ एकाध उठी और ट्राई कर लीजिए। एक और देख लीजिए, अगर ये पूर्णांक 800 नंबर कर दिया जाए, और ये चाचा कोरोना के टाइम में गड़बड़ा गए और गड़बड़ाने के चक्कर में ये 680 नंबर पा गए, हाँ कोरोना बैच वाले वैसे ज़्यादा नंबर पाए, आप बताइए कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा बोलिए। देखिए मान वैसे ही रखना है जैसे जैसे आपने किया था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाइए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, आंसर पाइए। मैं सर का नाम रोशन करूंगा। बहुत अच्छा पांडे जी, वेरी गुड। अभी जैसे शिकारी तो मैं खोज रहा था, बाकी ये गधैया गोल वालों को तो मेरा मन नहीं करता है इनको पढ़ाने का, सच्ची बता रहा हूँ। ममता शर्मा, हम जो पढ़ाते हैं वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है, हमारी कोशिश भी तो यही होती है। चलिए ठीक है, प्राप्तांक 680 है इंटू 100, पूर्णांक था 800, एक जीरो से एक जीरो मतलब दो दो जीरो नीचे ऊपर से काट दिया, ठीक है। अब 8 से इनको काटना है, भैया 8 से कट जाएगा क्या, 8 2 64, 8 8 64, 8 5 40, 85%, 85% आया समझ में। अच्छा ये बात बताइए, तो बात बताओ तुम, यादों में मरते हो, मैं नहीं पूछूंगा, लाइक काहे नहीं कर रहे हो ये बताओ, क्लास काहे नहीं लाइक कर रहे हो आप लोग भाई, कभी जल्दी से क्लास को लाइक करिए, एक एक, जब तक छात्र लाइक नहीं करेगा मैं आगे नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ही नहीं मैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग दो बार कर रहे हैं, तो भाई दो बार मत करिए, एक ही बार करना है, दो बार नहीं, एक ही बार करना है, हाईलाइट हो जाएगा अगर आप लाइक कर देंगे तो। ये देखिए अलग तरह से है थोड़ा सा, ये पॉइंट में नंबर पाया है, आप बताइए ये पॉइंट में है 450.8, बताइए। देखिए क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर आपको सीखना है तो क्लास छोड़ के नहीं जाना है, हाँ सीखना है तो क्लास छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है चलिए, प्राप्तांक है 450.8, याद रहे इसको दशमलव में लगाना है, इंटू 100, अरे 100 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक ओके, प्राप्तांक 800 है, क्या ये आसानी से आ जाएगा। साक्षी त्रिपाठी ठीक है, बहुत अच्छे, आइए दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, इनका हिसाब इधर करेंगे, हल कर लीजिए, ऊपर एक दशमलव है तो नीचे एक जीरो आप बढ़ा सकते हो, इनका कैलकुलेशन करिए, ये दशमलव में आएगा जो भी आएगा, समथिंग पॉइंट में आएगा। अक्सर लोग 56.35 बोल रहे हैं, ए चाचा लोग एक चीज सुन ला,
इसको कभी भी 56.35% नहीं बोलना, 56.35% बोलोगे तो लोग कहेंगे पढ़े लिखे नहीं हो, लिखे पढ़े हो। इसको 56.35% बोलेंगे, 56.35%, क्योंकि ये 35 नहीं है वास्तव में, ये एक से भी कम है, ये एक से भी कम है, तो आप इसे 35 नहीं बोल सकते। ये थोड़ा शऊर सिखा दे रहा हूँ यहाँ। तो इसको 56.35% बोलना, कहीं भी अगर कुछ बताना होगा इस तरह का रहेगा तो ये मत बोलना कि हम 56.35% पाए। ठीक है, इनको हल कैसे करेंगे? देखिए 8 से कटेगा क्या, ये 8 5 40 बचेगा 5, नहीं कटेगा, ये सीधी सी बात है, ये कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। आप लोग हल कर लीजिए, 56.35 सब बोल रहे हैं, मैं भी वही लिख देता हूँ, जाने दीजिए कौन फालतू जहमत ले। हल करना है बस, अब उसमें क्या बताऊँ, कैलकुलेशन ही तो करना था। समझ में आया ना? मनजीत यादव, मनजीत जी आएगा, कोशिश करना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक भी मुझे लगता है कि हो गया, लेकिन 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 आइए आइए हम जहां ले चलना चाहते हैं वहां चलिए। ये बताइए कि संख्या आठ जो है वो 64 का कितना परसेंट है, बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 64 रुपए थे, 64 रुपए थे, और हमने कहा कि बाबू भैया हमको 8 रुपया दे दो, और आपने दे दिया, थोड़ा दरिया दिली दिखाई, तो ये बताइए कि कितना परसेंट दे दिया हमें, बताइए। बस 3 लोग बचे हैं आपके, 100% कंप्लीट, 100 बच्चे कंप्लीट होने में मात्र 3 लोगों की कमी है। आ जाओ प्रभु, कहीं से आ जाओ, आ जाओ। झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, संख्या 8 64 का कितना परसेंट है। सबसे पहला जवाब आया है मानबेन सिंह का, साक्षी त्रिपाठी का भी आ गया है, और अनामिका कुमारी कृष्णा, शालिनी मिश्रा। आंसर कैसे आया? आंसर पैदल ही आया है, कोरोना लगा है, गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही ना इसलिए, और मैं क्या बताऊं इनको, सब कुछ तो लाइव दिख रहा है इसमें, मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ कि जो मैं छुपा ले रहा हूँ चुप्पे से। लाइव स्ट्रीमिंग की यही गड़बड़ी, ये रुकती नहीं बीच में, एडिटिंग वेडिटिंग नहीं हो पाता है। देखिए कह रहा है कि संख्या जो 8 है वो 64 का कितना परसेंट है। हम ये मानते हैं क्या, ये प्राप्तांक है और ये पूर्णांक है, हमें परसेंटेज निकालना है। अभी मैंने सूत्र बताया था, प्राप्तांक को 100 से गुणा करना है और पूर्णांक से भाग देना है, ये तो करना था। नहीं गरीबी है, डस्टर नहीं, 8 1 8 8 2 64, ठीक है। तो कितना आ गया ये, इसको भी हल कर लीजिए आप। 4 से काटेंगे 25 आएगा, 4 2 8, फाइनल में 12.5% है, यानी 12.5% है। कितना है? 12.5%, समझ रहे हो ना? गॉड ऑफ वर्स, क्या कहें आप, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। चलिए कल तक मंगा लूंगा मैं नए नए शब्द, फिर आपकी तारीफ करूंगा। आइए अगला है कि संख्या 72, ये 728 का कितना परसेंट है, बताइए, जल्दी बताइए। रेजी विशाल, रोशनी कुमारी, दिव्या, संस्कृति, सॉरी संस्कारी गर्ल, देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है, संस्कारी गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, बैड बॉय, और क्यूच, क्रेजी, क्यूट, मतलब नाम ही बोलो ना तो आत्मा खुश हो जाती है, दिल दुखी हो जाता है। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, जो नंबर दिया है आपको उसको 100 से मल्टीपल,
पूर्णांक से भाग करेंगे, 728। चलिए कैसे होगा ये जरा सोचिए, कैलकुलेशन करना है भाई। अगर एक चीज करते इसमें हम 720 कर देते तो आसान हो जाता, 720 कर देते तो आसान हो जाता, लेकिन हम आसान नहीं करने वाले हैं। ये 728 है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। कोई बताएगा कोई उपाय इसमें? हाँ, किससे कटेगा भाई ये? 8 से कट जाएगा ना। चलिए 8 से ट्राई करते हैं। 8 × 2 = 72, ये 8 × 9 = 72, 8 × 1 = 8 क्या जाएगा? 900। ए 900, हाँ सही है, 91। भाग दे लीजिए फिर बताइए। पहले का वीडियो देखे और हम तो ओल्ड हो गए। अरे वाह, मतलब बिया न गौन, हम ओल्ड हो गए पहले, कमाल है भाई। ऐसा ना करो, अरे कल परसों में छत पे गए थे हम लोग, उस दिन तो एक लड़का का पतंग अटक गई थी। कह रहा अंकल जी वो पतंग दे दीजिए। मुझे अंदर से तो अजीब टाइप का लगा। फिर हमारा एक दोस्त था, कह रहा अरे यार आप तो अंकल बन गए। मैं कहा भाई हाँ उम्र हो गई है शायद, अभी इनकी मम्मी की उम्र से ज़्यादा नहीं है, फिर भी अंकल जी बोल रहे हैं। ये हो गया, इसको भाग तो आप लोग कर लेंगे, कितना आएगा भाई? आइए करी के दिखा देते हैं। 991 का भाग करना है, वन टाइम जाएगा अगर तो ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। पूरे पूरे में जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81। कितना जाएगा? 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81। अगर 10 बार ले जाएंगे तो 910 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81। घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1। अरे भाई ये कितना बचा? 9, 9 में से 1 गया 8। ऊपर आप 10 दशमलव बढ़ा लीजिए, पॉइंट में जा रहा है ना। चलिए 10 दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए। अब ये 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72। इसके आगे हम करेंगे भी नहीं, सिर्फ 2 ही पॉइंट तक करेंगे, 9.8% समथिंग आएगा। देखो कितना लंबा चौड़ा हो गया, कितना लंबा चौड़ा हो गया ना ये, है ना? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? तो ये हो गया आपका, कमाल हो गया। चलो आगे, ये बताओ भैया एक क्वेश्चन है, जरा दिल थाम के सुनना अच्छे से। हाँ सुन रहे हो ना? पहले सभी बोलिए हाँ सुन रहे हैं। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं इसे जब भी पढ़ाता हूँ तब करवाता हूँ, क्योंकि ये लाइसेंसी हो गया है, प्राइवेट नहीं रह गया, पेपर में आ गया एक बार। एक विद्यालय में 18% बालक चश्मा का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों की दिव्य दृष्टि से हमें दिखता है, लेकिन ये लगाते हैं आगे बहुत लाइट जलती है इसलिए। एक विद्यालय में 18% बालक चश्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यदि विद्यालय में कुल 250 लड़के हों तो कितने बालक चश्मा प्रयोग करते हैं भैया, बताइए। एक विद्यालय में 18% बालक चश्मा लगाते हैं, तो अगर टोटल विद्यालय में 250 छात्र हैं तो कितने लोग चश्मा लगाते हैं भाई, बताए देना अगर दिल करेगा तो। एक और बता दीजिए इसी में, इस संख्या में 20% का मान 50 है, ट्राई करिए फटाफट फटाफट। विकास सिंह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सालनी सोनकर, मानवेंद्र, ठीक है पता, 1% कौन लगा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये, अब धरती ग्रह से हैं कि कोई चंद्रमा से भी आया है।
आंसर में परसेंटेज नहीं लगेगा, बच्चा निकालना है, लड़का निकालना है। हाँ अरे मतलब निकालना नहीं, मतलब आंसर लाना है। 250 का 18%, 18/100 यही तो करना है। ये कट गया ना, 5 से काट दो, 5 2 10, 5 25, 2 9 18, 5 9 45, तो 45 बालक। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, 45% लिख दोगे ना तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, गलत। समझ रहे हो ना सभी? हाँ सभी को आ रहा समझ में ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं? आगे बढ़ा जाए। चलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। 500 रुपये का 20% वही होगा जितना 700 रुपये का 30% होगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लिखने लायक नहीं है, अभी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। 120 को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि 90 रह जाए, ये बताइए। ये सही है, 120 को कितना प्रतिशत कम किया जाए, कम करें कि 90 बचे। सवाल है ये, वही सवाल है लेकिन घुमा घुमा के। 120 को कितना परसेंट कम करें कि 90 बचे। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनको मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दे रहा हूं बबुआ, ठीक है भैया? आप सभी व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे 256 लोग जुड़ते हैं, हमारे यहाँ 256,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम टेलीग्राम पे जोड़ते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है आंसर बताइए, फिलहाल मैं लिंक दे दे रहा हूँ। 108 कोई बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, प्रीति यादव बता रही 45%। बताइए जल्दी करिए फटाफट। देखिए वो क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं उनको टाइपिंग करवा के लेके आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बड़े क्वेश्चन को हम प्रिंट करवा के लाएंगे तब स्क्रीन पे दिखा देंगे। अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन करके फिर आ जाओ। टेलीग्राम पे सारी क्लास की लिंक भेजी जाती है जितनी चलती है, सब कंप्लीट, ठीक है? जिनको नोटिफिकेशन चाहिए दी गई लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। देखिए सीधी सी बात यह है, हम कैसे करेंगे? कह रहा है 120 को कितना परसेंट कम कर दें कि 90 बचे। हम मान लेते हैं कि 120 को कुछ परसेंट कम कर दें, कितना कुछ भी मान लो। इसको करने का दो तरीका है, पहला तरीका तो ये है कि 120 को कितना कम करें कि 90 बचे, तो हमें पता है कि 30 कम करेंगे। हाँ एक तरीका तो ये है 30 कम करेंगे, तो 30 कम करेंगे तो ये निकाल लो कि जो 30 है 120 का कितना परसेंट है, जो 30 है वो 120 का कितना परसेंट है। तो ये निकालने का तरीका है कि 30 × 100 हटा नीचे 120, 0 से 0 ये 4 आया, काट दो 25, 25% कितना आएगा, 25% ना? क्यों भैया सही जा रहा है कि नहीं? 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटा, 3 4 12, 4 से काट दिया, 25% आएगा। ये सब 75 कहाँ से बता रहे हैं? आरती का 24 आ रहा है, शालिनी सोनकर, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा पीछे है ये, पलक मिश्रा, ठीक है ओके, हो गया इतना डन। देखिए कुछ लोग डस्टर के पीछे पड़े हैं, ए चाचा सुनो डस्टर ना 50 रुपये का डस्टर 4 दिन में खराब हो जाता है, कपड़ा है ना इसको धुलो मिटाओ, धुलो मिटाओ, 10 रुपये का रुमाल ना 10 महीना चल जाती है, समझ रहे हो? थोड़ा बुद्धि भी लगाओ, डिस्टर्ब ना करो। चलो इतना हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं? देखो मैं इनको क्या बताऊँ, मतलब क्या कहूँ, कहूँ ही तो क्या कहूँ, इनको कुछ गंदा बोल दूँ तब भी नहीं अच्छा, अच्छा बोल दूँ तब तो अच्छा है नहीं, जाने दो। चलो नोटिफिकेशन तो यूट्यूब दिया होगा, हमें नोटिफिकेशन का थोड़ा सा प्रभाव कम मालूम चल रहा है,
उसको किनारे जाने देते हैं। जल्दी से आप जवाब दीजिए। कौशल साख्या, विमलेश राज और समरीन नुमानी, नेहा वर्मा, आशीष सिंह, सपना राठौर और चंद्रेश। ठीक है, बहुत अच्छे। सपना जी का कमेंट सबसे पहले आया है। कुछ लोग मुंह में घी जमा के बैठे हैं, दही जिसे बोलते हैं, तो भाई वो लोग भी थोड़ा सा बोलें मुंह से, मतलब मुंह से भले ना बोले लेकिन कमेंट तो करें। जो मेहंदी लगा के बैठे हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, आओ चलो, 4/5 को परसेंट में बदलना है। आइए बात करते हैं। आकांक्षा गंगवार, अनुपम मौर्य, सोनी गुप्ता। ठीक है, कोई 80% बता रहा है। अमित सिंह, ये दूसरे ग्रह से आए हैं, इनका 20% आ रहा है। या तो ये लोग दूसरे ग्रह से आए होंगे। ठीक है, उनका गलत है। जैसे पूजा कनौजिया का गलत है, अमित सिंह का भी गलत था। और हाँ, जो परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा रहा उसका भी गलत है। जो ऐसे सिर्फ 80 लिख दिया है ना, उसका भी गलत है। जैसे बारात गई है और दुल्हा सिर पे अगर मुकुट टुकुट नहीं लगाया हो तो दुल्हा सहीबाला मंत्र ना समझ में आएगा, कहीं दूसरे के साथ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा अंतर जाना ही पड़ना चाहिए। आंसर के लिए परसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाइए। ये हो गया, आइए। ठीक है, अच्छा, जल्दबाजी में तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं आज के समय में, क्या किया जाए। लेकिन 3/5% नहीं, परसेंट नहीं, इसको बताइए, परसेंट में बदलिए, कोशिश करिए। चलिए हम बात करते हैं आगे। थोड़ा सा मिटाने वाला इसको ले लेते हैं, ट्राई करिए। अभिलाषा जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। एनीवन, और भी कोई भी ट्राई करेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य ये होता है कि लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, हाँ, और जो पहले बताएगा उनका नाम भी बोला जाएगा, थोड़ा ये भी अच्छा लगेगा। नेहा वर्मा, सोनी गुप्ता, अभिलाष यादव, अनुपम, प्रजापति स्टडी 100। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक, मुख्य बात पर, जो हमें करनी चाहिए। 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, वही 20 आएगा, 20 यही 60% आएगा। जिनका 60 आएगा उनका सही है, जिनका कुछ और आ रहा है उनका गलत है। आइए हम बात करते हैं मुख्य मुद्दा पर। भाई देखो, प्रतिशत का मतलब यही होता है, प्रतिधन शत, यानी प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है, सैकड़े पर निकाला जाता है। और सैकड़े पर ही क्यों निकाला जाता है, ये आपको पढ़ने लायक अभी नहीं है। आप कोई PhD नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले। हम यहीं से बात करेंगे कि इसको परसेंटेज को 100 पर ही निकाला जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा कि 100 का 12%, तो बताओ कितना होगा। 100 का 12% तो 12 ही होगा, इसको याद रखना है बस। ठीक है, और अगर मैंने कहा कि 100 का 7% तो कितना होगा भाई, बोलो। 100 का 75% तो कितना होगा? सबसे पहला जवाब आया है सपना राठौर का और आशीष ठाकुर। गलत है बच्चा, तुम्हारा तो दूसरे नंबर पे हो लेकिन गलत है। ठीक है, 100 का 71% कितना होगा? ठीक है, अनिल कुमार, प्रजापति स्टडी। देखिए, सीधा सा फंडा ये है, 100 पे जितना भी परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा। 100 का 12% 12, 7% 7, 75% 75, 71% 71। तो कहोगे फिर इसका मतलब क्या है, फिर बता कह रहे हो? बता रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रतिशत है वो हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हम थोड़ा सा आपको और आगे ले चलें, अभी कोई रूल नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप बेसिक कैसे समझेंगे, इनका क्या वास्तव में फंडा क्या है वो। बाकी मैं अभी मैथ के रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रूल की बात करेंगे बाद में। थोड़ा सब्र बना के रखिएगा और दुआएं करते रहिएगा, क्योंकि 2 दिन से तबीयत बड़ी गड़बड़ थी, उम्मीद नहीं थी कि आज क्लास चलेगी। लेकिन आप सभी लाखों साथियों की इतनी बड़ी दुआएं हैं ना,
यमराज के पास से भी खींच लाएंगे, ये जाने नहीं देंगे, कहेंगे अभी तो क्लास बाकी है, आ जाइए चलिए। इसमें अगर हम बात करें 200 का 12% तो भैया कितना होगा बताइए, 200 का 12% कितना होगा? दीपिका जी बिल्कुल टीटी में काम आएगा, टीटी के लिए संजीवनी बूटी है, टीटी का कोई भी एग्जाम है किसी भी राज्य का, चाहे जे टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है, बी टेट है, कोई भी टेट है, ये कहीं का भी है, ठीक है। रीट वगैरह के लिए भी है, जो यूपी टेट है ना उसी को राजस्थान में रीट बोलते हैं। बिल्कुल जवाब सही है। ए चाचा लोग, कुछ लोग परसेंटेज लगा के उत्तर दे रहे हैं भैया, ऐसा ना करो, ना ना ना। इसका आंसर 24 आएगा सही है, लेकिन शिवम जी प्रतिशत में नहीं आएगा, अरे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर परसेंटेज का मान पूछा है, अभी वही एग्जांपल बताया कि अगर शादी में गए हो, बराती में दुल्हा को मुकुट और उसका थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना बनावट, तब तो मालूम चलेगा ये दुल्हा है, बाकी सब बराती हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये सबके लगा दिए वैसे। अब बताओ, सब मुकुट लगा लिए, सब ड्रेस पहन लिए दुल्हा वाला, जितने लोग गए हैं, तो फिर पहचान कहाँ रह गई? उत्तर में और क्वेश्चन में तो अंतर रखो ना, यहाँ पे तो परसेंट लगा है ना, उत्तर में ऐसे सिंपल में रहेगा, परसेंट नहीं लगेगा। इसका आंसर 24 आएगा क्योंकि इसमें 2 बार 100 शामिल है, लेकिन यहाँ परसेंट नहीं लगेगा, परसेंट का चिन्ह लगाओगे गलत है, परसेंट का चिन्ह लगाओगे गलत है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इसके अपोजिट हम बात करते, अपोजिट में तो वहां गलत हो जाता, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। देखो सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं फिर लंबा हो जाएगा, अभी बाद में समझ में आएगा, देखते जाओ भी आएगा, चलो ठीक है। 200 का 12% 24 कैसे हुआ? जिनको बहुत बेसिक सीखना है मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं अभी, जिनको ये सब आ रहा है उनसे निवेदन है थोड़ा रुके रहिए, रुके रहिए। देखिए साथियों, इसका 24 कैसे आया, हमने आपको बताया कि 100 का 12% 12, 100 का 7% 7, 75% 75, 71% 71, यानी 100 का जितना परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा। उसी क्रम में हमने 200 का पूछ लिया, तो भैया 200 का ही इसलिए 24 आ गया क्योंकि इसमें 100 धन 100 है, आजकल तो 200 की भी नोट आ गई है, तो 200 की नोट में खुला करा लो तो 100-100 की मिल जाएगी ना, मिल जाएगी ना। तो जब 100 में 12% 12 था, तो 200 में तो 12 धन 12 कर सकते हो ना, 24 आएगा ना। ये बिना किसी नियम के, अभी मैंने कोई नियम नहीं बताया है, समझने के लिए, ठीक है, समझ में आया ना? राधा देवी आया समझ में? सबको समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 100 का 75% मैंने पूछा था, भैया ये बताओ सभी कि 300 का 75% फिर कितना होगा? चलो बिना किसी नियम के बताना है, 300 का 75% सबसे पहले कौन बताएगा? योगेश सिंह, अनुपम मौर्य बताइए, 300 का 75%। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, रुक रुक के बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत तेज बोलता हूँ। देखो भाई, मैं कुछ लोग के चक्कर में अपने आप को नहीं बदल सकता, क्योंकि हमारी जो पहचान है ना हमारे इसी वजह से, तो इसलिए हमें जैसे भी जानते हो ऐसे जानते रहो, अच्छा है। हिमांशु ठीक है, इसका सबसे पहला जवाब आया है वो है सपना राठौर का। भाई सपना जी बहुत अच्छे, बधाई हो आपको। और नवीन जी का भी दूसरे पर है, दीपिका ने तीसरे नंबर पर बताया है, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग इसको जानते हैं, इसमें अभी कोई भी नियम नहीं लगा है, अभी हमने कोई रूल नहीं लगाया इसमें मैथ का, सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए है जिनको मैथ में कुछ नहीं आता। भाई सीधी सी बात है, 100 का 75% 75 होता है, आपको याद है हमने पूछा 300 का 75%, तो चचा हो भैया हो 300 को हम 100 धन 100 कर सकते हैं, बोलो हाँ कर सकते हैं ना। 100 का 75% का मान 75 है, तुम्हें याद ही है पहले से, हाँ कुछ लोग तो रट लेते हैं, तो इसका मान क्या 75 है, इसका 75 है, इसका 75 है, जोड़ लो। और जिनको ये जोड़ना नहीं आ रहा ना उनके लिए एक आइडिया बताऊं,
देखो भैया 300 तो था ही, सब में 25 से 25 तो कम है ना, यानी 75 कम है कुल मिला के, 75 घटा दो 300 में से 225 आएगा। लेकिन ये गणित थोड़ा ऊपर से उड़ रही होगी, कहेंगे ये कैसे काम करेगा हर जगह। अब मैं रूल पे चल रहा हूं, अब जिनको नहीं समझ में आया उनको भी आ जाएगा, अब नियम पे चल रहा हूं, ठीक है, नियम पे चल रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, सब आएगा आप। सुप्रिया त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, आइए नियम पे चलते हैं। तो यहां पर दो चीजें मैं लिख रहा हूं, प्रतिशत का मान के लिए, प्रतिशत का मान के लिए ठीक है, क्या करेंगे 100 से भाग करते हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिए, चाहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, बस इनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आज इस क्लास में हम परसेंटेज को फिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब क्लियर हो जाए। देखिए, कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत रखना कि मुझे सब आता है, क्योंकि परीक्षा में वही फेल होता जिसको सब आता है, वही फेल होता जिसको सब आता है। 100 से कूड़ा करते हैं, अब कोई माई का लाल नहीं जो इसको गलत काट दे, आओ देखो कैसे, समझो कैसे, ठीक है। सिया कश्यप, सीटेट यूपीटेट सुपर टेट के लिए आपका पीवीआर स्टडी में हम कौन सा बैच लें? जी बेसिक मैथ है, इस समय 585 में है। सिया कश्यप, नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे इंक्वायरी करिए, निवेदन है, नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे इंक्वायरी करिए, आइए, ठीक है, समझ गए इसको। परसेंटेज का मान ज्ञात करने के लिए 100 से भाग करते हैं, जैसे इसके लिए उदाहरण देखिए, जैसे अगर मैंने कहा, क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा भैया, ओ क्या बोलूं, 60% का मान बताइए, समझना, 60% का मान बताइए, ये ऊपर वाले की तरह का क्वेश्चन है। नीचे यहां देखो, इसका उदाहरण देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि 7/5 को प्रतिशत में बदलिए, दोनों में अंतर समझना, बस हम इनको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, अब इसमें ज्यादा देर ये लगाने वाले नहीं है। ये तबीयत बिल्कुल बहुत अच्छी है, आप लोगों की दुआएं बहुत काम की हैं, किसी भी डॉक्टर से कई गुना आ गए। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, आप लोगों को बता दें, 2 दिन तक फीवर था, काफी अच्छा फीवर था, तेज था, लेकिन मैंने कोई दवाई वही नहीं खाई, एक पैरासीटामॉल खाया था, वो भी जब लगा कि निपटने वाले हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, तब उसके बाद कुछ नहीं खाया। आइए देखिए, 60% का मान मैंने बताया कि 100 से भाग करेंगे, आइए इसको 100 से भाग करते हैं, ये 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, 3/5 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 3/5। इसको प्रूव करके आप फिर ये ला सकते हो, बोलो कितने लोग कर लेंगे, अगर 3/5 को परसेंटेज में बदलना हो तो फिर से 60% आएगा कि नहीं, बोलिए, क्या मुसीबत है, कोई पकड़ के तो रखा नहीं। 3/5 को यू कैन चेंज इन परसेंटेज, यू विल बी फाइंड 60%। अरे इंग्लिश उंग्लिश हमें नहीं आवत भैया, कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं। आइए 7/5 को परसेंट में बदलिए, मैंने लिखा है कि इनको 100 से गुणा करेंगे, तो कर लीजिए, ये काट दीजिए, 5 2 9 10, पहाड़ा वहाड़ा तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर परसेंटेज का चिन्ह लगाना नहीं भूलना, और यहां पर परसेंटेज का चिन्ह भूल कर भी नहीं लगाना, दिमाग में घुस रहा है? नहीं, यहां पर परसेंटेज का चिन्ह भूल कर भी नहीं लगाना,
यहाँ परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाना, और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगाना नहीं बोलना, ये गलत हो जाएगा, सब कुछ करने के बाद माटी हो जाएगा। ये बात याद रखना, समझ रहे हो ना? नहीं तो दुल्हा दुल्हन वाली कहानी बताए थे ना, उसी को याद कर लेना, बस आ जाएगा। चलो सभी को समझ में आया, जल्दी से सेशन को लाइक करिए, अब तुरंत करिए, अब मैं इसके आगे बोलने वाला नहीं हूँ। अब ये समझ लीजिए ना, आपके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, कितनी कुर्बानी देता हूँ। एक बार शुरू में बताया था कि गर्लफ्रेंड पहले ही नाराज हो गई आपकी क्लास की वजह से, हाँ बताया था ना, तो अब बताओ और क्या करें, इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या दें? और क्या, एक बात और कुछ बता रहे थे आपको, बाद में बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए इसको लिखिए। अभी बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने नहीं किया लाइक क्लास को। सोनी यादव ठीक है, अंशु, और कोई एनीवन? चले फिर आगे बढ़े, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ तो इसको मैं मिटाता हूँ, 60% का मान। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, अब मैं दूसरा नया तरीके का क्वेश्चन दूं ना, आगे बढ़ूं, इसको टॉपिक खत्म करा जाए ना, इस पे बाद में एक्सरसाइज होता रहेगा, एक्सरसाइज होता रहेगा बाद में आगे, ठीक है? वैसे मैं पिछली क्लास में भी ये सारे टॉपिक पढ़ाया हूँ तो ठीक है, इसका मान बताइए। चलिए इसका मान बताइए, बताइए इनका मान, बताइए इनका मान, बताइए। पूजा कनौजिया, ये पूछ रही है अभी दुल्हन तो नहीं नाराज है ना? नहीं नहीं अभी नाराज नहीं है, अभी वो बहुत खुश है। हो गया, चलो ठीक है, मिटाते हैं। तो अब आगे क्या करना है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि पढ़ना क्या क्या है, ये हो गया डन, इस टॉपिक को हटाओ। अब आप लोग ट्राई करते रहो भाई। रंजना सिंह, मिताली सिंह, सुप्रिया त्रिपाठी, बेदंग, एक मिनट देखने दो भाई, नहीं नाम भी गलत पढ़ लेंगे, इनका नाम थोड़ा कठिन है, ये कहीं से बनवाई है। वाई बेनकाता लक्ष्मी, क्यों यही नाम है ना, वेंकाटा लक्ष्मी जी, साउथ इंडियन हुए करके, अच्छा आप साउथ इंडियन है इसलिए नाम नहीं ले रहे, नहीं सॉरी मैं सबका नाम बोलता हूँ, हमारे लिए साउथ इंडियन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब बराबर है, भारतवासी जितने भी हैं ना वो एक घर के हैं, है ना, भारत एक घर है। आइए चलिए बात करते हैं आगे। तो देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सबका नामे ले लो, कहो फिर इसको बंद करके फेंक दें उधर, हाँ ना पढ़ाए, नामे ले सबका, जैसा कहो आपकी इच्छा जैसी हो, हमारा कहा जाता है नामे बोलेंगे बैठ के हम। तो भैया ये हो गया आपका दो टॉपिक, भिन्न को प्रतिशत में बदलना ये हो गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये भी हो गया, हाँ अब हम पढ़ेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना आप टॉपिक ये होगा। पहला क्या था, अब तक हम लोगों ने पढ़ा भिन्न को परसेंट में बदलना, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा भाई, रुक मिन जाओ लिखने दो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये दोनों पढ़ लिया ना, ये दोनों पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जरा संभल के बताना, पूछता हूं ठीक है, बताइए 0.25 को परसेंट में बदलिए, चलिए ट्राई करिए, गेट रेडी, 0.25 को परसेंटेज में बदलिए। देखिए जो आपके डीएलएड में है मैं वही टॉपिक बताऊंगा, बस जल्दी करिए फटाफट, नाम हम नहीं बोलूंगा।
कोशिश हमेशा करते रहिए। आइए ये टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, ये टॉपिक के बाद ज्यादा कुछ बचा है नहीं, बस इतना था ही आपके किताब में। देखिए साथियों, इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है, समझिए। इसमें दशमलव भी लगा है और परसेंटेज में भी बदलना है, तो इसमें दो बीमारी है हा? तो पहले एक एक का इलाज करेंगे, दोनों की दवाई एक साथ में देंगे ना, तो ना रोगी रहेगा ना रोग, तो हमें रोगी को बचाना है, रोग को भगाना है, तो दोनों का साथ में नहीं, एक एक। पहले दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएंगे, दो अंक पर दशमलव है इसलिए हम इसे 100 से भाग करेंगे, दशमलव हट गया। क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना था और परसेंटेज में बदलने के लिए हमने पढ़ा था कि 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। अब ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, ये जो भी है हमें इसको 100 से गुणा करना है। तो भैया 100 से गुणा भी कर लो, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, और ये आपस में दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 25 परसेंटेज आया, है ना, कितना आसान। थोड़ा बहुत मजा आ रही है अंदर से कि नहीं, चलिए। तो 0.35 को परसेंटेज में बदलिए, बताइए 1.25 को परसेंटेज में बदलिए, स्नेहा जी बताइए, मिताली सिंह, देखिए कुछ लोगों का नाम बोल रहे हैं, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना डन, तो इसे लिख लीजिए, ये टॉपिक खत्म करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये टॉपिक भी मैं लगभग खत्म ही कर चुका था, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कह रहा कि मनोज के बगीचे में कुल 1200 पेड़ हैं, मनोज के बगीचे में 1200 है कि 12000, सीधा फीधा लिख लो, 1200 क्या है, पेड़ है, मतलब ट्री है, ठीक है, पेड़ लिखा पढ़े लिखा है, ट्री कितना है, 1200 है, जिसमें से 35% आम के हैं, बाकी शेष बचे हुए जो अन्य फलों के पेड़ हैं वो मान लो अमरूद के हैं, ठीक है, अमरूद के हैं, तो ये बताओ भैया अमरूद के कितने पेड़ हैं, कोई बता लेगा, एक फलाने हैं, अरे तुम्ही में से किसी को ले लो, सुप्रिया त्रिपाठी को मान लो, इनके एक बगीचा है और इनके बगीचा में 1200 पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, 1200, मतलब काफी हाई भी बगीचा है बड़ा, जिसमें से 35% मैंगो है, मैंगो मतलब आम, फलों का राजा, बाकी अमरूद है, अमरूद मतलब अब फलों का राजा, तो रानी तो बोलेंगे नहीं, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बताइए, तो कितने अमरूद के पेड़ हैं, अरे कुछ तो बोलो। सपना राठौर कह रही कि 540 और नेहा वर्मा 420। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं ना इसमें जिनको यही नहीं पता कि इसमें करना क्या है, उनका मतलब ये है कि हम इसका 1200 का 35% बता दें उत्तर हो जाएगा, नहीं इसमें ना कनवा पकड़ के खींचना है, लेकिन ऐसे इधर से नहीं, ऐसे करके तो ऐसे खींचना है। आइए बताते हैं, चलिए देखिए सीधा सा बात है, 1200 का पहले 35% निकालेंगे और जितना आएगा ना उसको 1200 से घटा देंगे, फिर जितना बचेगा ना वो अमरूद का पेड़ है, क्योंकि 35% जो आएगा वो तो आम वाला होगा। इसको मैं करके बताऊंगा, आइए सुनिए। तो 1200 35% का मतलब ऐसे पढ़ा चुका हूं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 का 35 में गुणा हो जाएगा, 12 पंचे 60, हासिल कितना आ गया 6, और 12 तिहाई 36, 36 6 42, 420। कुछ लोग इसी को उत्तर बता रहे थे, अरे भैया चाचा दीदी अंकल आंटी क्या है, ये आम का पेड़ है, 420 क्या है, ये आम का पेड़ है, लेकिन इसमें से 420 घटा लीजिए तो जो बचेगा वो अमरूद का पेड़ होगा। भाई सीधी सी बात है, हमें घटाना नहीं आता, थोड़ा जुगाड़ सीख लीजिए,
मान लेते कि संयोग बस अगर ये 400 होता तो 800 आता, लेकिन 20 और कम है तो 700 कितना होगा, 80 होगा, 780 होगा ना, तो 780 हो गया बस। ये 780 क्या है, ये अमरूद का पेड़ है। क्या है, अमरूद का पेड़। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरह के आप लोग कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी में ऐसा कह दिया जाता इसमें से 35% तो मैंगो है और इसमें 10% जो है वो केला है, बनाना, तब बताओ अमरूद कितना है। अब बताओ कौन बता लेगा सबसे पहले। पूजा कनौजिया, थोड़ा पानी वानी डालो, खोपड़ी पे ठंडा हो जाएगा। बताओ अगर 35% मैंगो और 10% बनाना है तो अमरूद कितना होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा ही तो बहुत हो जाता है। चलिए लगाइए भाई, सीधी सी बात है, 35% 35% और फिर 10% बनाना है, इसका 10% निकाल लो ना 780 का। हमारे समझ से तो ऐसे भी हो सकता है ना, चाहे तो सीधा सीधा 45% निकाल लो उसका, 1200 का चाहे तो 45% निकाल लो, और चाहे तो 780 से 10% और कम कर लो। अब इसमें ये तो नहीं पूछा है कि बनाना का कितना है, अगर ये पूछा होता तो कुछ और करते, हमें सिर्फ अमरूद का निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल में से 10% घटाए दो और भी कर लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं समझ में आया, सबको आया, ये हो गया एक टॉपिक जो कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। किसी धन का 10% का मान 50 रुपया है, तो उस धन का मान बताइए, उस धन हमारे पास में है, बताओ भाई कितना रुपया है। बताइए किसी धन का कितना परसेंट है। रुक जाओ देखने दो। हाँ 10% का मान 50 रुपया है, तो बताओ वो कितना रुपया है जिसका 50 रुपया 10%। बताइए आकांक्षा गंगवार, समरीन जी, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। किसी धन के 10% का मान 50 रुपया है, तो वो धन कितना रुपया है भाई। इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ाया सब मिटा दे रहा हूँ, कोई देखने ना पाए। चलो अब जिनको देखना ही है थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, इसमें परसेंटेज में नहीं आएगा आंसर। पहली बात तो ये कुछ ऐसे भी हैं जिनका बुद्धि ये नहीं काम कर रही। इसका आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, पहले तो इनको यही नहीं पता है कि उत्तर बताना किस तरह है। मतलब इनको कहीं जाना है तो ये नहीं पता मैयत में जा रहे हैं कि पार्टी में जा रहे हैं। बताओ, पार्टी वाला ड्रेस पहन के किसी की मैयत में चले जाओगे, लोग शोका कुल रहेंगे तो तुम्हें क्या करेंगे, पूजा करेंगे, तुमको लतियाएंगे। तो उत्तर में पहले ये तो देखो बताना क्या है। कह रहा कि 10% का मान 50 है, कोई ऐसी राशि है, कोई ऐसा अमाउंट है जिसका 10% का मान 50 है, तो वो अमाउंट बताओ कितना है। तो ये 5% बता रहा, कोनो कोनो 2% बता रहा, कोनो 1% बता रहा है। आइए देखिए, मान लीजिए कि वो राशि क्या है, एक्स, हमने माना क्या है, एक्स रुपया है, ठीक है, तो यक्स का 10%, तो हम क्या करेंगे, यक्स का 10% मान लेंगे कितना है, 50। हमें पता ही नहीं क्या था तो हमने यक्स मान लिया। ये माना गया, माना और राशि क्या है, एक्स रुपया है, तो यक्स गुणा 10, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, ये 50 ऐसे ही रहेगा। आया समझ में, क्यों भाई सही जा रहा ना, ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, यक्स बटा 10 बराबर 50, यक्स बराबर कितना आया, 500।
यानी वो राशि 500 रुपया है जिसका 10% का मान 50। कुछ लोग सोच रहे होंगे ससुरा गलत वलत बता नहीं रहा है। उत्तर की जांच भी कर सकते हो आप इसके आंसर की जांच भी कर सकते हो, ये गलत है कि सही है। आओ चलो 500 का 10% निकाल लेते हैं, इधर आ जाओ। 500 का 10% ये सिखाया तो हूं ना सब, तो 500 गुणा 10 बटा 100, दो जीरो से दो जीरो काट दो, फिर 50 आ गया ना, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए। यहाँ जो किया तो एक आंसर आया, इसको लेकर के फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब सही था ना। रंजना सिंह क्या चाहती हो, भला कर दें, यही अंतिम इच्छा है आपकी, लिख लीजिए, समझ में आया ना। अच्छा एक और बताइए, आपकी बार हर कोई बताएगा, चलो 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 फटाफट बताओ। कोई ऐसा अमाउंट है जिसके 10% का मान है इतना है, इतना इतना है, इतना ए भाई रुक जा, 550 रुपये है। आप बताओ कोई ऐसा अमाउंट है, वो राशि ज्ञात कीजिए जिसके 10% का मान 550 रुपये है। क्वेश्चन सुन लीजिए, वो राशि ज्ञात कीजिए, वो अमाउंट ज्ञात कीजिए, वो रुपया ज्ञात कीजिए जिसका 10% मात्र 10% 550 रुपया के बराबर है। तो बताओ वो आखिर कितना रुपया रहा होगा। सुप्रिया त्रिपाठी का आ रहा है 5500 रुपया, नेहा मिश्रा का भी इतना ही आ रहा है, और आकांक्षा का भी कुछ नकल वकल कर लिया इन लोगों ने एक मिल के। आजकल तो सब एक ही बता दिया ना, ये कहते नहीं एक भेड़ कुएं में कूद गई तो सब कूद गई, मतलब क्या बोले। ये तो सच है कि दुनिया हमेशा भीड़ वाले रास्ते पे ही जाती है, ये तो सच है कि दुनिया हमेशा भीड़ वाले रास्ते पे ही जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे जाती हो। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, भीड़ वाले पे मत जाइए। कि सब लोग जा रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, आखिर तुम जा क्यों रहे हो ये बताओ बस। आजकल ऐसे होता है आंदोलनों में धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, जो सरकार को गाली देते हैं, एक लोग गरिया रहे सब गरियाएंगे, काहे गरिया रहे हमें नहीं पता, वो लोग गरिया रहे इसलिए हम वो गरिया रहे, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा बुद्धि लगाइए अपने पास से भी, इसमें हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी का, ना विरोध कर रहे हैं, बात बता रहे हैं। हाँ तो 10% का मान 550 है, तो वो अमाउंट क्या है हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि वो ए है, ठीक है, हमने मान लिया वो राशि क्या है, ए है, ठीक है। तो ए का 10% निकालना है, तो ए का 10% कितना है, 550, ठीक है, हमने मान लिया वो राशि ए है। तो ए ये 10 नीचे 100, सही जा रहा ना, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ए बटा 10 बराबर ये 550, ए बराबर ये 550 तो था ही, तिरछा गुणा हो जाएगा, इतना तो आप जान में रहे हो, इतना तो जानते हो, लिख लीजिए फटाफट, हो गया डन, आगे बढ़े। चलिए तो ये सब चीज आप लोग कर लेंगे, किसी गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़ करके 5500 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है बताइए, ये कौन सी मुसीबत आई, बताइए फटाफट सभी बताइए। आइए, जनसंख्या आजकल लॉकडाउन में कुछ ज्यादा बढ़ी है, हाँ आप लोग को पता है ना। चलिए बताइए, 5000 थी, कितना थी, 5000 थी, और ये बढ़ करके हो गई 5500, तो अब बताइए कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, जवाब दीजिए। आइए बात करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि आखिर ये बढ़ा कितना है, तो भैया 5000 और ये 5500, यानी बढ़ा है कुल मिला के 500, कितना बढ़ा है, 500 बढ़ा है। आपको ये देखना है कि जो 500 है वो 5000 का कितना परसेंट है, जो 500 है वो 5000 का कितना परसेंट है। समरीन का बहुत अच्छे, वेरी गुड,
तो भैया निकाल लो ना, मान लो कि ए परसेंट है, चलो हमने मान लिया ए परसेंट है, ऐसे ये भी होगा, ए परसेंट है कितना, क्या निकालना था लेकिन हमें 5000 का ए परसेंट मैंने माना है, कितने का, 5000 का, तो 5000 गुणे ए परसेंट बराबर 500, क्यों ऐसे चलेगा ना, ऐसे हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, चलो करके देखते हैं ऐसे जुगाड़ लगता है कि नहीं। हमने मान लिया ए परसेंट है, तो ए अपान ये हो जाएगा 100 बराबर 500, भाई दो जीरो से दो जीरो कट गया, हाँ इससे यू कट गया, तो क्या बचा, ये 5A बराबर 500, ठीक है, तो A बराबर 500/5, क्यों भाई ये तो गड़बड़ हो गया कहीं से, ये तो कहीं से गड़बड़ हो गया, एक मिनट, अच्छा ये 5000 था, ये 5000 था यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे और था, एक जीरो यहाँ पे और था, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, डोंट वरी, एक जीरो और कट जाएगा, ये यहाँ पे एक आएगा, भूलना मत, यहाँ पे एक आएगा, फिर 10 आएगा, यानी ए बराबर कितना आएगा, 10, समझ में आया ना, कितना आएगा 10%, समझ में आया ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मिताली सिंह जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, रंजना सिंह वेरी गुड, अमित जी बहुत अच्छे, भाई देखो आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, इसी वजह से 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ये बहुत दुख की बात होती है, अंदर से आत्मा बहुत दुखी होती है, हम बुखार भी रहता, बीमार भी रहते हैं, किसी भी तरह से हिलते डोलते हम आ जाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो, क्लास को लाइक शेयर करते नहीं आप लोग, सप्ताह में 3 दिन ये क्लास होती है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को, है ना, अब की बार 2 दिन तो हम बीमारी में निकल गए, एक का दिन बचा, इस तरह से आप लोग इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिनको कोई इंक्वायरी करना नीचे नंबर है उस पर संपर्क करें, नीचे नंबर है, और ये फोन सब हमारे पास रखे हैं, इनको हमें साइलेंट करना पड़ेगा काट काट के, नहीं तो ये अब इन्हें संपर्क करने लगेंगे, ए रुक जा, एक मिनट भाई, एक मिनट, चलिए अब आप लोग सुनिए कुछ और, इतना हो गया, ये बताइए 50 जो है संख्या 50, ये 1200 का कितना प्रतिशत है, बताइए संख्या 50 1200 का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए फटाफट, आगे बढ़े चलें जल्दी से, मैं बताता हूं, इनको भिगो के मिटाना पड़ता है, फिर पोंछना भी पड़ता है, ठंडी का महीना लिखता नहीं, संख्या 50 1200 का कितना परसेंट है, एनीवन ट्राई करेगा, कोई कोई 600 बता रहा है, पता नहीं कहां से गिरे हैं ये सब, चलो 1200 का कितना परसेंट है, हम मानते हैं कि यक्स परसेंट है, क्या 1200 का यक्स परसेंट हम मान लेते हैं, वो कितना है 50 है, ये मान के चलते हैं क्योंकि हमें पता है नहीं, आइए, ये लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, मैंने पूछा कि जो 50 है संख्या 50 वो 1200 का कितना परसेंट है, ये सोच रहे हैं कि 1200 का मैं 50% पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनकी बुद्धियां ना उल्टा नहीं चलती, सीधा चलती, तो ये 1200 का यक्स परसेंटेज हटेगा, 100 से भाग हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, भाई का मतलब होता है गुड़ा, तो कर लो 50, तो कितना आएगा, ये कुछ गड़बड़ हो जा रहा है का, दशमलव दशमलव में जाएगा का लग रहा है, डेसिमल में जाएगा ना, ठीक है कर लेते हैं, दशमलव में ही जाएगा, तो यक्स बराबर ये 50/12,
इसको पहले तो आप कितने से काट सकते हो? दो से, दो ही से कटेगा, उसके बाद दोबारा कटेगा नहीं, तो दो से मत काटो इसे, इसे डायरेक्टली 12 से भाग करो, आसान रहेगा। भाग करके बताओ कितना आएगा। और हाँ एक चीज और, जितना भी आएगा ना उसे हम फिर से प्रमाणित करेंगे कि वो सही है गलत है, टेंशन नहीं लेना। तो 50/12, आइए भाग करके देखते हैं। ये 12 चौक 48, घटाने पाया 2, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारा, तो 12 1 12, घटाने पाया 8, 0, 12 6 72, 8, यानी 4.16% आया समथिंग, है ना, दो अंक में अगर ले जाएं तो। समझ में आया ना? यानी हम कह सकते हैं कि जो 1200 है उसका 4.16% 50 है, लेकिन ये 100% सही नहीं है, एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ये भाग पूरी तरह से कटा नहीं है, अभी और जा रहा है, अभी फिर जीरो उतारेंगे, 4.666 समथिंग जाएगा, बार बार जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना। तो क्या होगा, ये आप इसे 6-7% लिख सकते हो, एक बात में अगर बोले ऐसे 3 अंक में, तो ये ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको बात बताते हैं आगे। अगर आप इसका 1200 का 4.167% निकालें तो कितना आता है, 50 के लगभग आ रहा है कि नहीं, निकाल के देखो, 50 आ जाएगा, निकाल के देखना, ठीक है, 50 के लगभग में एकदम आ जाएगा, थोड़ा कुछ पॉइंट का चाहे डिफरेंस है, नहीं तो आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है। सभी को समझ में आया ना? आया समझ में? कन्हैया बहुत गजब लगा, बिल्कुल गजब लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, जो लोगों ने पूरा क्लास देखा होगा वो परसेंटेज का सारे कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। चाहे आप SSC का परीक्षा देंगे, रेलवे का देंगे, कोई भी परीक्षा देना है, प्रतिशत के सारे इम्पोर्टेंट जो बेसिक न्यू है ना, मैंने सब करवा दिया इसमें, है तो DLED के लिए, ये टॉपिक उन्हीं का है, लेकिन ये सब के लिए है, ठीक है। एक और बताइए। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं, संख्या 40 जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि सीधा सीधा कट जाएगा ये, इसको बताओ भाई। हाँ, दीपिका पटेल, अभी बहुत पीछे चल रही हो आप, ठीक है, कोशिश करते रहिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छा लगता है काफी आप लोग ट्राई कर रहे हो। चलो इसका आंसर आप लोग बता देना, आगे बढ़ते हैं। 120 को ये तो पिछले बार बताया था, बताइए क्वेश्चन एक और बताइए। 150 को कितना प्रतिशत कम करें, 150 को कितना प्रतिशत कम करें कि 80 बचे, इसका कोई जवाब बताएगा क्या? दिव्या तिवारी, अनिहा वर्मा, रंजना सिंह, बताइए 150 को कितना परसेंट कम करें कि 80 बचे। यानी क्वेश्चन आपसे ये घुमा के पूछ रहा है, सीधा नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। इसको करने का दो तरीका है। एक मिलन मिश्रा है, बहुत तड़प रहे हैं बेचारे, नीचे नंबर चल रहा है, बोल रहा हूँ बाबू उसी पे संपर्क कर लो, और हमारी क्लासें इस समय ऑफलाइन नहीं है, कोरोना टाइम में सब बंद है, सिर्फ ऑनलाइन है, लेकिन ये मार छटपटाए जा रहे हैं, छटपटाए। आइए देखें 150 को कितना प्रतिशत कम करें। इसको करने का पहला तरीका ये है कि हमें ये पता है कितना बचाना है, 80 बचाना है, यानी हमें
70 घटा देना है, यानी इनका ये भी एक क्वेश्चन है कि 150 का कितना परसेंट 70 है, 150 का कितना परसेंट 70 है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितना परसेंट कम करें, आप इस पे लिख सकते हो माना x परसेंट कम करें और x परसेंट घटा के भी बराबर उतना कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो हम इसी तरीके से कर लेंगे, आप यहाँ पे समझ लो, मान लो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि 150 का मानते हैं कि x परसेंट कितना है 70 है। अब इसे मैं कराऊंगा नहीं, हराई फंदा रहा हूँ, पूरा आप लोग करोगे, इसको करके x का मान निकाल के अपना उत्तर निकाल के रख लो बस, अभी कर लोगे ना। किसी को कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं ना, सभी कर लेंगे। चलिए कर लीजिए, स्क्रीन आपके सामने है, आप देखिए लिखिए समझिए। आज आपका ये परसेंटेज का अध्याय भी खत्म हो गया। दशमलव वाला टॉपिक हम लेकर के चले थे, वो भी हो ही गया है, थोड़ा सा और बता देते हैं। ये बताइए कि 0.015 परसेंटेज में बताइए कितना आएगा, जवाब दीजिए फटाफट कितना आएगा। देखिए जो लोग ऑफलाइन क्लास के लिए परेशान है, देखो भैया अगर सिर्फ पढ़ने का उद्देश्य है तो ऑनलाइन ठीक है, बाकी अगर मिलना उलना है, थोड़ा मौज मस्ती करना है, थोड़ा देखना दिखाना है, तो फिर ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है ना, मेकअप वोकअप करके जाओगे, थोड़ा थोड़ा अच्छा बन के जाओगे, स्मार्ट बन के जाओगे, बुरा नहीं मानना। तो उसमें क्या होता है, तैयार होगे टाइम ज़्यादा लगेगा, मेकअप कपड़ा लत्ता मुंह धुलना नहाना धुलना बस का किराया टैक्सी किराया सब अलग से लगता है, टाइम अलग से बर्बाद होता है ना। एक बार जो पढ़ाया गया दोबारा कोई टीचर जल्दी रिवीजन करवाएगा नहीं, दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। ऑफलाइन में क्या है, सुबेरे सो के उठे हो मोह माछी भिनभिनाती हैं भले, लेकिन बैठ के पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, न कोई देखने वाला है न कोई दिखाने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार क्लास खत्म हो गई, तीन बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया, कोई देख भी नहीं रहा है तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई शर्माने की बात भी नहीं है। अब क्लास में ना समझ में आया तो 100 लोग के सामने इसको खड़े होकर कैसे पूछोगे, बताओ कैसे पूछोगे, लोग कहेंगे अरे इतना छोटा नहीं आ रहा इनको, ऑनलाइन बेहतर है ऑफलाइन से, है ना। इसका मान आप लोग बता लेंगे, परसेंटेज में बदलना है, सबसे पहले आप दशमलव हटाओगे, 1000 से भाग करोगे क्योंकि 3 अंक पर दशमलव है, परसेंटेज में बदलना था इसलिए 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1.5% आएगा, दशमलव में आएगा ना। सही है, चाहे तो इसे और आगे हल कर लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, बाकी दशमलव में ही आएगा, इस तरह 15% नहीं आएगा, 15% नहीं। हाँ इसे आप इतना और भी कर सकते हो, 15/10% इसे ऐसे काट पीट लो, तो 5 × 15 × 5 × 2 = 10, आप 3/2% लिख सकते हो, भिन्न के रूप में रहेगा वो दशमलव डायरेक्ट है, बस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आया ना, अभी को समझ में आया। हम आपको बताएंगे कि डेटा क्या होता है, आप कहोगे डेटा मोबाइल का डेटा, जियो वाला एयरटेल वाला नहीं, वो मोबाइल डेटा हो गया। एक्चुअली जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा अलग होगा, इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, आपका चैप्टर नंबर 8 है DLED यानी कि BTC का फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है स्पेशल रूप से उनके लिए, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ बार ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल। चैप्टर का नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। तो पहले हम एक एक चीज को समझेंगे, आखिर ये अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, ये डेटा क्या होता है, फिर डेटा को ही आंकड़ा बोलते हैं हिंदी में। अब डेटा सुने हो, कहते हो ना कि हमारा डेटा लीक हो गया, सरकार ने क्या किया भैया हमारा डेटा बेच दिया,
तो सुनो ये वर्ड, डेटा का मतलब बहुत कुछ होता है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपका पर्सनल डेटा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिलहाल दिखाते हैं, अब स्क्रीन चेंज करेंगे, कहीं जाना नहीं, स्क्रीन चेंज करेंगे, आपको डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको शुरू से ले चलेंगे और वहां से दिखाएंगे। देखिए डेटा यानी कि आंकड़ा, ये होता क्या है, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं, विज्ञापन, सूचना तंत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। कुछ संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं जिन्हें हम डेटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। मतलब आप कुछ नहीं समझ पाए तो इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप मौसम के बारे में खबरें सुनते हैं कि बीते सोमवार को आई तेज आंधी पानी में 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें जो 10 लोगों की संख्या है, ये एक डेटा है। अभी कोरोना काल की महामारी में लाखों लोग मौत के गाल में समा रहे थे, वो सरकार के लिए एकमात्र डेटा हो रहे थे, बस और कुछ नहीं। लेकिन किसी की फैमिली के लिए वो पूरी कायनात होते थे, उनकी क्या बोलते हैं, मतलब पूरी जिंदगी। इनकी कुछ विशेषता होती डेटा की, इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लिखा है ना आंकड़ों की विशेषताएं। भैया देखो, आप मीडिया में खबरें सुनते हो, कहते हो कि ये मीडिया जो है बिक चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, दलाल हो चुका है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं। आप जाके सोशल मीडिया पे देख लो, कमेंट देख लो, न्यूज जो चैनल देते हैं उन चैनल का कमेंट जाके देखो, लोगों ने कैसे भर भर के गालियां दिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेटा की विशेषता है। आप पढ़ो ध्यान से, पहला आपके स्क्रीन पर है। आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य से ही एकत्रित किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सरकार, आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, सरकार ने क्या किया था, भारतीयों के जो भी अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट, स्टूडेंट थे, इनके कुछ महत्वपूर्ण डेटा को कंपनियों को बेचा था। तो जो कंपनियों ने लिया था वो कुछ गलत काम नहीं करेंगी, वो करेंगी क्या, पहले सुनो, कुछ तो बेचा था, कुछ क्या होता है कि हैकर्स वगैरह चुरा लेते हैं, तो ये क्या करेंगे आपका, कुछ तो जो गलत हाथ में जाएगा फ्रॉड वाला काम करेंगे। जैसे बैंक वगैरह डेटा लेते हैं, कि स्कूल कॉलेज लेते हैं, मतलब कहीं से भी मिल जाए तो छात्रों का, तो वो छात्रों से कॉन्टेक्ट करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, कि भाई देखो हमारे यहाँ ये कोर्स चल रहा है, आप उसे ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हमारे यहाँ ये डिग्रियाँ मिलती हैं, तो उससे बच्चे जो है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, वो इस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आंकड़े केवल साधन प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे पिछली बीती रात अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 25 लोग मारे गए, इनमें 25 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन वो 25 लोग किस तरह से मारे गए हैं, वाहन के नीचे कुचल कर मारे गए, फिर वाहन में घसीट कर मारे गए, या फिर अत्यधिक गंभीर चोट लगने के बाद मारे गए, यह स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो डेटा होता है वो केवल साधन प्रस्तुत करता है, निष्कर्ष नहीं बताता है डेटा में कि कैसे क्यों हो गया, मुख्य हेडलाइन एक प्रकार से होती है बस। आगे देखिए, सभी आंकड़े 100% सही नहीं होते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो तो ये डेटा जो है, आंकड़े जो है, वो गलत भी साबित हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो ये आम बात हो चुकी है, बहुत सारे क्राइम होते हैं, अगर कोई प्रकार का पुलिस से कनेक्शन होता है अपराधी का, तो यहाँ तक कि मेडिकल जो रिपोर्ट आती है पीड़िता की या पीड़ितों की, वो भी गलत निकलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डेटा में हेर फेर किया जाता है। अगर अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण होती है, तब मीडिया वाले सरकार के पक्ष में अगर खबरें दिखाते हैं तो सरकार की बड़ाई करते हैं, भले जनता की ऐसी तैसी हो रही, उससे उनके कोई मतलब नहीं है। हमने ये आपको बताया कि आंकड़े 100% सही नहीं होते हैं, यदि इनमें अनुसंधानकर्ता, मतलब जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, जैसे मान लो कोई प्रकार की घटना हो गई तो जो उसकी जांच कर रहा है, अगर उसकी भावना पक्षपातपूर्ण होती है तो उन आंकड़ों में हेरफेर की जा सकती है, उन्हें गलत भी किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में मुख्यधारा की मीडिया को देख सकते हैं, जिसकी भी सरकार रहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं करता हूँ, उस पक्ष के बारे में अच्छी अच्छी खबरें दिखाई जाती हैं, सच छुपाया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है, सच को झूठ बना दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा क्या ये बातें सही हैं कि गलत हैं, सबके लिए है, किसी एक पार्टी या विशेष के लिए नहीं है। तो एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस समय महंगाई एकदम चरम पर है, पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो
पेट्रोल की कीमतें कई शहरों में 117 से 120 रुपए पहुंच चुकी हैं, डीजल भी 100 के ऊपर हो चुका, लेकिन सरकार इनके बारे में कभी चर्चा नहीं कर रही है। जबकि अगर बात करें, अभी कहेंगे कि पॉलिटिक्स की बात हो गई, तो पिछली सरकार में अगर 60-65 रुपए पेट्रोल होता था तो लोग धरना देते थे आकर के, लेकिन हम लोग अब जो कहते हैं ना, अगर वो क्या बोलते हैं उसे, गुलामी सहने की आदत अगर हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी समझ लो थोड़ा सा, अगर इंसान को थोड़ा सा दर्द होता है तो वो चिल्लाता है, रोता है, लेकिन कभी कभी दर्द बहुत ज्यादा होता है तो आदमी की आवाज नहीं निकलती है। तो उसी तरह से इस समय जो है ये महंगाई कुछ ज्यादा हो गई, इसलिए जनता शांत हो गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया। अगला है आंकड़े, संख्याओं का वो संग्रह है जो सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, आंकड़ा या कोई डेटा अगर कोई इकट्ठा करेगा तो क्यों करेगा, सूचना के लिए ही करेगा। अगला देखिए, ये डेटा की मैं विशेषता दिखा रहा हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो पूरा एंड तक देखिएगा, जाइएगा नहीं बीच में। आंकड़ों में गणितीय शुद्धता का भी अभाव होता है। जैसे किसी योजना में अगर सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, 8,12,328 रुपए खर्चा होता है, तो मीडिया वालों की जो मुख्य हेडलाइन होती है दिखाया जाता है उसमें, सरकार ने दी 8 लाख रुपए की सौगात, ऐसे जो है मोटा मोटा एक प्रकार से बातें की जाती हैं, जहां पर 12,328 रुपए की चर्चा मैंने हेडलाइन में नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, जहां तक ये हमारी अपनी सोच है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अब ये आप लोग बता सकते हैं कितना इसके लिए सटीक है। हमारे हिसाब से तो 100% सटीक है कि डेटा जो है वो गणितीय शुद्धता के रूप में जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, जो लोग कहीं से डेटा एकत्रित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, आखिर ये डेटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में अध्ययन करें। लेकिन क्लास को आपको एंड तक देखना है, कहीं जाना नहीं है, मैं हूँ यहीं आपके पास में ही, लेकिन हमें आपको स्क्रीन दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको स्क्रीन दिखा, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब फिर से उस पेज पे आगे बढ़ते हैं, आंकड़े कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। आंकड़ों के मुख्य प्रकार के दो स्रोत होते हैं, या फिर आंकड़ों के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत, दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा सरकार अगर कोई एडवाइजरी जारी करती है, कोई प्रकार का आदेश या कोई प्रकार का नियम देश में लागू करती है, तो वो प्राथमिक डेटा स्रोत लोगों को उपलब्ध कराती है। कहने का मतलब ये कि वो डेटा वो मुख्य धारा की मीडिया को बताती है या टीवी चैनल वालों को बताती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन टीवी चैनलों से या अखबार से मान लीजिए हमने खबर सुना, हमने पढ़ा, और भाई पड़ोसी में किसी को नहीं पता है कि कल से नोटबंदी लागू होने वाली है, हाँ, तो हम जाके बता दिए सबसे कल से नोटबंद हो रहा है, जो जो रखे हो जा खरीद लो जल्दी जल्दी, मतलब समझ रहे हो। तो जो मैंने आंकड़े दिए उसको, डेटा मतलब जानकारी बताया कि हाँ भाई कल से बंद हो रहा है, सब कुछ सूचना दिया ना उसे, वो द्वितीयक डेटा स्रोत मैं बना, क्योंकि मैंने उसको दिया जानकारी, फलाने को, बगल वाले को, तो उसके लिए सूचना का स्रोत तो मैं बना ना, मैं बताया ना, लेकिन मुझसे सरकार ने तो बताया नहीं था फोन करके कि भाई पीवीआर स्टडी वाले बता दो सबसे, क्योंकि सरकार ने तो मुख्य धारा की मीडिया से बताया था। तो जो मीडिया है वो प्राथमिक डेटा स्रोत है, ठीक है, मतलब जिसको पहली बार और जानकारी मिली, उसके बाद फिर उसको लोगों ने कॉपी कास्ट पेस्ट किया, वीडियो से देख देख करके लोगों को बताया, तो द्वितीयक हो गया। उदाहरण आप देखिए, दैनिक समाचार पत्रों, टीवी चैनल आदि द्वारा प्राप्त खबर प्राथमिक आंकड़ा होती है, ये लेखक के अपने विचार हैं जिनको उन्होंने पीडीएफ फाइल बनाया है, मतलब हमारे द्वारा। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जो किसी प्रकाशित या फिर अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर समाचार पत्रों की कटिंग करके कि हाँ भाई फलानी खबर निकली है, तो वो जो आप खबर देखते हो वो द्वितीयक डेटा स्रोत है, पहला नहीं है, पहला तो वो पेपर है जिसकी उन्होंने कटिंग लिया है। यहाँ पे से एक और उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं, मोहन समाचार पत्र में पढ़ता है कि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च महीने में शुरू हो रही हैं, और वो रमेश को बताता है, तो रमेश को मिली ये सूचना अर्थात आंकड़े के लिए आंकड़ा प्राप्त करने का जो द्वितीयक स्रोत है वो मोहन होगा। यहाँ से आप एक बार फिर से समझ लो कि मोहन समाचार पत्र में पढ़ा परीक्षा के बारे में और वो रमेश को बताया, तो सूचना प्राप्त करने के लिए या आंकड़ा के लिए जो द्वितीयक स्रोत है वो मोहन है, क्योंकि मोहन ने पढ़ा था और अगले को बता रहा है, तो मोहन क्या हो गया, द्वितीयक डेटा स्रोत हो गया, क्योंकि वो और लोगों को शेयर कर रहा है, ये खबर जो है वो प्रकाशित खबर है, ठीक है। और इसकी खबर की जानकारी तो डायरेक्ट सरकार ने उसे बताया नहीं था कि भाई बंद हो रहा है बता दो या पेपर होने वाला है। आगे देखिए,
प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के साधन क्या क्या होते हैं? भाई प्राथमिक आंकड़े कैसे कैसे मिल सकते हैं? पहला, व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा या प्रयोग द्वारा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भैया रात में दही खाना नुकसानदायक होता है, खांसी जुकाम बुखार हो सकता है। तो अब ये प्राथमिक डेटा हुआ, फिर मैंने इस खबर को निकाला, फैलाया, कुल वायरल किया कि रात में दही खाना बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन मुझे मिली कैसे? मैंने प्रयोग किया, एक दिन मैंने खा लिया एक कटोरा एक बाल्टी दही, और रात में लगे कप्पड़ कप्पड़ करने, तो क्या हुआ? मुझे एहसास हुआ, मैंने क्या किया, प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया कि भाई ये गड़बड़ होता है। इसलिए हमने ये जानकारी और लोगों को बताया, मतलब ये व्यक्तिगत प्रेक्षण किया, प्रयोग किया, तो हमें यहाँ से प्राथमिक डेटा मिला। दूसरा, साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण विधि है प्राथमिक डेटा प्राप्त करने की। यहाँ पर आप ध्यान देना, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग ना महसूस हो इसलिए बीच बीच में आकर के मैं थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ हिला देता हूँ। एक्चुअली ये समझने वाली चीज है जो आप पढ़ रहे हो, पहले डेटा आपको समझना है, फिर हम आपको पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ दिखाएं, ये हम आपको समझ, बस ज्यादा नहीं, दो चार पांच मिनट और बचाएं, देख लीजिए, अच्छा है, अगर समझना है ध्यान से सीरियसली पढ़ना है तो देख लीजिए। चलिए फिर से चलते हैं उस पेज पर और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, मतलब प्राथमिक डेटा लेने का और भी संसाधन है, जैसे यहाँ पे लिखा अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का इंटरव्यू हुआ कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो भाई मोदी जी के साक्षात्कार से एक प्रकार से ये खबर निकली कि मोदी जी आम को चूस कर खाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये प्राथमिक डेटा मिल गया ना, किसको मिला, न्यूज वालों को मिला, किससे मिला, मोदी जी के साक्षात्कार से, जहाँ तक हमारा मतलब यही हुआ। अगर इसमें आपको कोई गड़बड़ लग रहा है एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर करिएगा। द्वितीयक आंकड़ों के साधन, आप कहोगे आम और इमली के बारे में काहे बात कर रहे हैं, भाई न्यूज में सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा, बहुत पहले की बात है, ये इंटरव्यू हुआ था माननीय मोदी जी का, इसलिए मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ। द्वितीयक आंकड़ों का साधन है प्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित स्रोत, ठीक है, द्वितीयक डेटा यहाँ दोनों जगह से लिए जा सकते हैं। अगला है अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या होता है, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत ही कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, वो अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। मतलब कि आंकड़े कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो बहुत घुले मिले होते हैं, एकदम खिचड़ी होते हैं, उनको तुरंत देख करके नहीं समझा जा सकता है कि मतलब इनका क्या सिस्टम है, आप समझ रहे हो ना, बहुत प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो चुनाव होता है, तो ये सब न्यूज बातें इसलिए कर रहा हूँ जो आपके लोगों से संबंधित हैं। चुनाव होता है, वोट पड़ता है हर एक बूथ पे, उसके बाद सभी के वोट बंद हो जाते हैं ईवीएम में, कहते हैं कि इनके फलाने फलाने किस्मत बंद हो गई ईवीएम में, लेकिन तुरंत उसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन जीत गया कौन हार गया। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े तो मिल गए, डेटा तो मिल गया है कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन वो अवर्गीकृत है, वो व्यवस्थित नहीं है, बिखरे हुए हैं, फलाने कोटों में पड़ा है, फलाने को में पड़ा है, फलाने को में पड़ा है, तो क्या करेंगे, जब इनकी मतगणना होगी तो सभी मत अलग अलग किए जाएंगे, भाई ये बीजेपी वालों का है, ये समाजवादी पार्टी का है, ये बसपा पार्टी का है, ये कांग्रेस पार्टी का है, मतलब समझ रहे, उनको वर्गीकृत किया जाएगा, उन आंकड़ों को, उन वोटों को एक सिस्टम से रखा जाएगा कि भाई फलानी पार्टी को इतना मिला, फलानी को इतना, फलानी को इतना, लेकिन जिस दिन वोट पड़ा उस दिन सब एक खिचड़ी है, जिन्हें बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा या डेटा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे भाई बड़ी राजनीति की बात कर रहे हैं, देखो भाई मछली को समुद्र में रहना है और पानी से परहेज करे, ऐसा हो नहीं सकता, इस देश की आपकी छोटी सी बड़ी चीजें देश की राजनीति से चलती हैं, अरे नियम कानून राजनीति वाले ही लोग बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे ना तो शिक्षा की ऐसे ही ये पाट लगाते रहेंगे, अनपढ़ गवार लोग अगर आएंगे, आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने और वोटिंग जरूर करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसे वोट करोगे, अपनी इच्छा अनुसार किसी को करो, लेकिन पढ़े लिखे लोग को करो, समझदार लोग को करो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, ना कि आपको कमार बनाए, समझ रहे हो, कोई भी चीज करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो बात ज्यादा हो जाएगी। हाँ टॉपिक पे चलते हैं, आंकड़ों के बारे में आप समझ गए, अवर्गीकृत आंकड़े जैसा मैंने वोट वाला बताया, दूसरा पढ़ाई वाले में देख लो, किसी परीक्षा में बैठने वाले
लाखों छात्रों में से कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक हासिल किए हैं, यह आंकड़ा हमें सिर्फ छात्रों की संख्या जानकर तुरंत नहीं निकाला जा सकता है हमारे द्वारा, जब तक कि हम सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं। तो आप लोग इसके बाद अब हम आपको लेकर के चलेंगे मुख्य जो आपका पाठ्य का हिस्सा है उस पर लेके चलेंगे, जिसका नाम है, पता है क्या है भैया नाम? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से ग्राफ बने होते हैं, तो ये पिक्टोग्राफ क्या है, कैसे बनाते हैं इसको, इसके बारे में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। हमारे साथ स्क्रीन पर बने रहिएगा, ठीक है? चले आपको पिक्टोग्राफ दिखाते हैं क्या है। चलिए स्क्रीन पे आ जाओ जल्दी से फटाफट सभी। पहले इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बना के भी दिखाएंगे। देखिए, कह रहा कि पिक्टोग्राफ किसी बारंबारता सारणी के अनुसार बनाया जाता है। इस प्रकार के आलेखों में वर्ग अंतराल समान होते हैं, उन्हें यक्ष अक्ष पर अंकित करते हैं। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष अभी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले आप इसको समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग अंतराल पर एक आयत बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित करता है। पहले वर्ग अंतराल को यक्ष अक्ष पर लेते हैं और उसे एक भुजा मानकर एक ऐसा आयत बनाते हैं जिसकी ऊंचाई संगत बारंबारता के बराबर होती है। उसके निकट ही यक्ष अक्ष पर दूसरा वर्ग अंतराल लिया जाता है और उसके ऊपर दूसरी वर्ग की संगत बारंबारता के ही बराबर लंबाई का दूसरा आयत बनाते हैं। ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे तब, ठीक है? समझ रहे हो ना आप लोग? देखिए और अभी समझिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। इस प्रकार जितने भी वर्ग अंतराल होते हैं उतने ही आयत एक दूसरे से सटे हुए बना दिए जाते हैं। इस प्रकार के आलेख को ही पिक्टोग्राफ या आयत ग्राफ कहा जाता है। ये सारी कहानी आपको समझ में नहीं आई, मुझे पता है, ये समझ में आपको तब आएगी जब हम आपको इसको बना के। चलिए हमारे साथ स्क्रीन पे आ जाइए। देखिए अभी तक आपने जो किताबी भाषा थी वो पढ़ लिया है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं। अब हम किताबी भाषा को किनारे रखते हुए अब हुआ तब हकीकत में आपको पिक्टोग्राफ बना के दिखाते। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमें वर्गांतर और बारंबारता की आवश्यकता होती है, तो वो हमें दिया है, बिना इसके हम पिक्टोग्राफ नहीं बना सकते। ध्यान दीजिए, पिक्टोग्राफ या आयत ग्राफ जो होता है वो कैसे बनाते हैं समझिए। यहाँ पे आपको वर्गांतर दिया है, दिख रहा होगा 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, आप देखो इनमें 10-10 का गैप है। तो हम सबसे पहले अभी जैसा कि पढ़े हैं यक्ष अक्ष और वाई अक्ष के बारे में, देखिए आप मैथ में पढ़े होंगे इस तरह से होता है, बीच में है ये जो रेखा क्षैतिज वाली होती है हॉरिजॉन्टल वाली, तो यक्ष अक्ष बोलते हैं, इधर साइड यक्ष डैश अक्ष, वो आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा 9th, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसमें साथियों जो हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं वो इसी क्षैतिज वाली रेखा पर जो होती है इसी पे इन आयत को या पिक्टोग्राफ को खड़ा किया जाता है। इन्हें हम एक किनारे से शुरू करते हैं, कहाँ से, 0 वाले स्थान से, मतलब यहां से शुरू करते हैं, कहने का मतलब। अब देखना समझ, यहां पर हमें एक पैमाना भी मानना होता है। पैमाना का मतलब जैसे ने यहाँ पर ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो भी वहां सुटेबल हो। एक बारंबारता बराबर 10 छोटे खाने, जैसे देखो यहाँ पर बारंबारता 10 है ना, 9 है, 11 है, तो एक बारंबारता का मतलब 10 छोटे खाने। और इधर मैंने पैमाना लिया है कि 10 वर्गांतर बराबर 10 छोटे। कुल मिला के इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, आप केवल देखते रहिए, आप बिना इसके समझे भी आप ये चीज कैसे। पहला वर्गांतर 0 से 10 तक है ना, अगर यहाँ पर हम गिनती लिखे भाई, 0 यहीं से शुरू होगा ना, यक्ष अक्ष का 0 यहीं होगा ना, 0 से 10 तक मतलब ये मान लो यहाँ तक है। लेकिन ये क्या होगा, ऐसे ऊपर को बढ़ता जाएगा। अब कहोगे भाई ये कहाँ तक जाएगा, ये 0 से 10 वाले का जो लिमिट है वो बारंबारता 10 तक है, इधर वाली क्या है बारंबारता लिखी होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं। मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ, आप लिख लो इसे, जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए पर अलग है वो, तो इसकी लिमिट 10 तक है, तो ये हम 10 तक ले जाएंगे, यानी हम इसको
ये हमारा बन गया कौन सा, पहला वाला बन गया 0 से 10 तक वाला, जिसकी बारंबारता लिमिट 10 तक। वैसे 10 से 20 तक वाला क्या करेंगे भाई, ये 0 से 10 तक हो गया, इस पे आप चाहो तो ऐसे बना लो। यहाँ पे मैं तो फिलहाल 10 लिख दे रहा हूँ, अगले में 20 लिख दूंगा, लेकिन ये 0 से 10 तक है, समझना। अगले में क्या होगा छात्रों, ये 20 इस पे रहेगा, यहाँ पे लिखा ना एक वर्गांत 10 वर्गांतर बराबर 10 छूटेगा। ये कहाँ तक जाएगा, 10 से 20 तक वाला केवल 9 तक जाएगा, क्योंकि सिर्फ 9 तक है तो हम 9 से ही करेंगे इसे। ये समझ रहे हो ना, ज्यादा कुछ नहीं कर, बन गया। अगला आप देखो 20 से 30 तक वाला 12 तक जाएगा, 20 से 30 तक वाला मतलब ये 30 वाला है, ये 12 तक जाएगा, 12 मतलब तो लास्ट। यहाँ से क्या होगा कि आप कहोगे फिर कहाँ से खींचेगा भाई, कि यहाँ से नहीं खींचेगा, बगल वाले का ही एक स्तंभ ये कॉमन लेगा इसी 12 तक, समझ रहे हो ना। ये बन रहा है किसका, 20 से 30 तक वाले का 12, 30 से 40 तक वाले का सिर्फ 8 तक है, 40 आप लिखोगे, ये सिर्फ 8 तक है, 8 तक है मतलब। अगला आप समझते चलो 40 से 50 तक वाला 7 तक है, तो 7 तक मतलब ये इसी के सामने, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। ऐसे आगे देखते जाओ, 50 से 60 तक वाला 7 तक है, इसी तरफ है, जो भी जितना दिया गया आप खींच लोगे, ठीक है, आप लोग ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जल्दी करिए, अभी कुछ सिस्टम में सेटिंग चल रही है, इसको मैं बना देता हूँ, तो फिर और भी क्लासें आपको मिलेंगी ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन, आप बना लीजिए, समझ गए ना। पिक्टोग्राफ यही होता है, पिक्टोग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, बनाने का तरीका आप सीख गए हो, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको इस तरह से डाटा दिया गया है तो आप इसका पिक्टोग्राफ के रूप में दिखा सकते हो, ये किसी भी रूप में डाटा हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया गया है। जैसे इसमें ये भी हो सकता है छात्रों की संख्या, उनका भार, या किसी विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या, या टीचर्स की संख्या वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है डेटा में, ये ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, उन्हें आप उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, आगे चलें, ठीक है, देख लीजिए वीडियो को टच करके। अगला देखिए, दंड आरेख या बार ग्राफ, ध्यान देना, ये दंड आरेख क्या होता है, बार ग्राफ। दंड आरेख के लिए ग्राफ पेपर पर दो ऐसी रेखाएं खींचते हैं, जहां पर हमारा कर्सर चल रहा है, यहां पे देखो लिखा है ना, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिनमें से एक रेखा को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल तथा दूसरी रेखा को ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल होना आवश्यक है। आगे देखते चलिए, क्षैतिज रेखा पर चर के दिए गए मानों को मानों के संगत बिंदु निर्धारित करते हैं, फिर इन बिंदुओं के लंब खींचते हैं, खींचे गए लंब और दिए गए बारंबारता की ऊंचाई बराबर होती है, इसके बाद ग्राफ में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं पर लिया गया पैमाना लिख लेते हैं। बार ग्राफ थोड़ा आकर्षक लगे इसके लिए दंडों को रंगीन बना देते हैं। आइए अभी हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ जाओ सभी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या है पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने, पीछे आपको इन्हें ध्यान से देखना और बनाना है। कह रहा है कि वर्ष 2005 में किसान की जो उपज है उसका विवरण दिया गया है, जिसमें इस किसान को फसल में गेहूं इसकी पैदावार कुंटल में हुई थी 50 कुंटल, यहाँ पे कुंटल में है ये याद रखना, जौ 35 कुंटल, चना 25 कुंटल, तिलहन 30 कुंटल और दलहन ये 15 कुंटल, सभी आपके अलग अलग कैटेगरी की फसलें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है भैया, का ग्राफ बनाना है, दंड आरेख बनाना है। कैसे बनाएंगे एक बार सुन लो, ग्राफ पेपर पर समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचेंगे, दो रेखा समकोण तब बनाएंगी जब वो एक दूसरे को काटेंगी। तो ये ग्राफ पेपर हमारे लिए बोर्ड ही सब कुछ है, हम इस पे क्या करेंगे, दो रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जा रही हूं। चलो भैया ये भाई सीधा सीधा खींच, गंदा नहीं कर,
ये मैंने क्या किया, ये दो रेखाएं खींच दिया जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ये समकोण मतलब इस पे बंधा 90, ठीक है। उसके बाद चाहे तो नाम लिख दो, अगर लिखना चाहो ए बी सी डी, या ना लिखो। इसके बाद फिर क्या करना है, रेखा इस वाली पर भाई कुछ ना कुछ नाम लिखो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे ओ लिख लो, यहाँ पे मान लो यक्ष लिख दो, यक्ष अक्ष है ये, पाई है। अब नाम लिखोगे तभी समझ में आएगा, रेखा क्या क्या खींचा मैंने, ओ एक्स और ओ वाई खींचा समकोण बनाती हुई। अब रेखा जो ओ एक्स है इस पर कोई एक पैमाना मानेंगे, ठीक है, कोई एक पैमाना मान लेंगे और उस पैमाने के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे फसलों के नाम। चलो मैं मान लेता हूँ लगभग 1 सेंटीमीटर अंदाज के, और वैसे सारी फसलों के नाम लिख देंगे। जैसे पहला हो गया गेहूं, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या ये गेहूं, अगला क्या है जौ, समझते चलना, फिर चना, बराबर बराबर दूरी पर ही लिखना है, ज्यादा कम नहीं होता है। तिलहन और दलहन क्या है, तिलहन, अगला क्या है दलहन, क्या समझ में आया, तिलहन और दलहन। अब यहाँ पे समझना, इधर साइड में हमें क्या करना भैया, इधर साइड में भी तो हमें कुछ करना है। यहाँ पर पैदावार जो है कुंटल में, यहाँ पे आप चाहे लिख लो कुंटल में, 50 है, 35 है, 30 है, 15 है। आप देखो जो अधिकतम है वो 50 है, तो हमें इनमें जो नंबरिंग करना है अधिकतम 50 करना है। यहाँ पर आप चाहे तो पैमाना लिख लो, पैमाना में क्या करोगे भैया, 5 कुंटल बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो, या आधा सेंटीमीटर मान लो। हम मान लेते हैं इधर साइड में दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैमाना, भाई पैमाना मतलब एक मानक लेते हैं, तो 5 कुंटल बराबर 0.5 सेंटीमीटर, यानी 5 कुंटल को हम आधा सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा, ये यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर ये 10, 20, ऐसे ऐसे इनको हम लिखते जाएंगे, 10 फिर 15, भाई 5 ही मैंने माना है तो ये 5, 10, 15 रहेगा, 20 नहीं आएगा डायरेक्ट। ऐसे कहाँ तक लिखना हमें, ऐसे हमें लिखना 50 तक लिख, ठीक है। तो इसमें भाई जगह तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम इसी में एडजस्ट करेंगे, पूरा 50 तक लिख। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर पैमाना भी थोड़ा सा चेंजिंग किया है, पैमाना हमने 1 कुंटल को 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है, सॉरी ये 1 कुंटल नहीं 5 कुंटल करोगे, क्योंकि 5-5 का गैप है, समझ रहे हो, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर पे नंबर लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 5 कुंटल हो गया, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल, तो हमने एक जो है सेंटीमीटर को 5 कुंटल के लगभग बराबर किया है। अब ध्यान देना है गेहूं की पैदावार कितना हो रही है, 50 कुंटल हो रही है, तो भाई 50 सबसे बड़ी गिनती है, यानी जो गेहूं वाला हमारा आलेख ये ऊपर को बढ़ेगा वो कहाँ तक जाएगा, ध्यान देना ये 50 तक जाएगा, याद रखना, ठीक है, गेहूं का कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक। साथियों इसमें और जो अभी आपने देखा था पिक्टोग्राफ, उसमें अंतर है, ये अंतर है कि जो पिक्टोग्राफ की लाइन होती थी वो इसी से सटी हुई होती थी, आपने गौर किया होगा, अगर जैसे गेहूं वाला है तो जो वाला बनाने के लिए हम इसी में से कॉमन लेते, मतलब 3 लाइन में हमारे 2 आयत बन जाते, समझ रहे हो कैसे। ऐसे देखो अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें तो इसमें गेहूं वाला हो गया जौ वाले के लिए ऐसे बन जाता, मतलब लाइनें 1, 2, 3 लाइन में बन जाता, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका सब कुछ अलग अलग रहेगा, समझते चलना। अभी ये बन गया इसका, उसके बाद जौ वाला, जौ का 35 कह रहा है तो 35 ये यहीं कहीं तक जाएगा, यहाँ ये अपना स्वतंत्र इसका ये दंड रहेगा, इसका नाम ही ये दंड आरेख, यानी ये अपना अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो अच्छा लगने के लिए बाद में कलरफुल करेंगे। अब हमारे पास तो गोचे आप लोग कर लेना, तो कलरफुल कर दिया जाता है, अगर कलरफुल नहीं करोगे तो फिर दंड आरेख नहीं जाएगा, इन्हें आपको कलरफुल कर देना है जिससे ये अच्छा लगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से आप चना वाला कर लो, चना वाला 25 ही है, ये यहाँ कहीं बन जाएगा 25 रस्ते में। अगला अगर देखो तिलहन दलहन में, तो भैया एक 30 है, 30 मतलब इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये,
तिलहन वाला, तलान वाला 15 ही है तो सबसे छोटा रहेगा। इस तरह से आपका ये सब बन जाएगा जितना एकदम क्लियरली, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि आपका क्या क्या बन गया। इसे आप खूब कलरफुल कर लेना अच्छे से, डार्क में मैं नहीं कर रहा हूं। ये आपका दंड आरेख है, क्या है ये? दंड आलेख, आलेख या कहीं बोलते हैं, आप समझ गए ना, क्या बोलते हैं इसे? दंड आरेख, सॉरी ये आलेख नहीं, आरेख, ठीक है। दंड आरेख या बार ग्राफ भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। ये थोड़ा सा समझने वाला है, आप कहोगे थोड़ा कठिन है ये, हाँ थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है इसमें, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करवा देंगे अभी आगे, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, शुरू से वीडियो को आप फिर से देख लेंगे तो कहानी तो नहीं समझ में आएगी, जो मैंने कहानी बताया पीडीएफ में दिखा करके उसमें कम समझ में आएगा, लेकिन इसको समझोगे समझ में आएगा। भाई सीधा सा बात है, आपको ऐसे आंकड़ा दिया होगा जिसमें कुछ भी चीज दिया होगा, ऊपर नीचे उसके बारे में दिया होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो नाम यहाँ पे लिखे गए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनको यहाँ पे नीचे लिख लेना। लिखने के बाद इनका जितना लिमिट दिया होगा, इधर पैदावार दिया है, बारंबारता दिया है, प्राप्तांक दिया है, बच्चों की संख्या दिया, कुछ भी दिया है, उनको क्या करोगे आप, इधर साइड में लिखोगे और फिर उन्हीं के आकार के बराबर, जैसे गेहूं का 50 तक था तो इसका डंडा 50 तक बनाना है, जौ का 35 तक था तो ये डंडा कहाँ तक बनाना है भाई, 35 तक, स्तंभ जिसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे दंड आरेख बोलते, मैं डंडा बोल रहा हूँ तो तुम कहोगे डंडा का, ये हो गया क्लियर। पाई ग्राफ, इससे पहले आपने दंड आरेख, पिक्टोग्राफ ये सब पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए, हम बता देंगे। तो पहले हम आपको किताबी परिभाषा दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ समझेंगे आप, उसके बाद फिर हम आपको बोर्ड पे उसके करवा देंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। देखिए चलिए हम चलते हैं उस फाइल पे, आपको दिखाते हैं पाई ग्राफ होता क्या है, इसके बारे में सब कुछ हम आपको विंडो स्क्रीन पे ले चलेंगे, आप भागिएगा नहीं। हाँ चलिए स्क्रीन पे, आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो, भी बहुत कुछ देखोगे। चलो पेज नंबर 10 है ये, ओके। देखिए पाई ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा टाइप करवाया है, इसमें कुछ शब्दों की जो गलतियां होंगी उन्हें मैं स्क्रीन पे बता दूंगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग मास्टर हमारे अभी थोड़ा कच्चा है, बच्चा नहीं मतलब कच्चा, मतलब अभी सीख रहे। समझिए इस ग्राफ को बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते हैं। वो फॉलो करने वाला स्टेप कौन कौन सा है, आप देखो ए नंबर पे लिखा है ना, पाई ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त खींचा जाता है। ये सब आप सुन लीजिए, बाद में मैं बना के आपको दिखा दूंगा, पहले सुन लीजिए समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस वृत्त को देखो, यही मैं बोला कच्चा ना, यहाँ पर ब्रिज की जगह वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल, ये शब्द ध्यान से समझो, ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हों। आंकड़ा मतलब वही डाटा, समानुपाती मतलब जानते हो ना, प्रोपोर्शनल होता है ना। आगे देखिए, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण का समानुपाती होता है, त्रिज्यखंड का जो कोण होता है वो केंद्र के जो बना क्षेत्रफल होता है एरिया उसका समानुपाती होता है, इसलिए केंद्र ओ पर बने कोण 360 अंश को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड प्राप्त कर लेते हैं या करते हैं। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिए, इसी सूत्र को अभी लगाएंगे, ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर 360 अंश गुणे संगत बारंबारता और बटा बारंबारता योग, यानी 360 को संगत बारंबारता से गुणा करके बारंबारता योग से भाग कर देना है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे अभी बोर्ड पर ला करके आपको, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए फिर हम हल करते हैं, ठीक है। कहता है एक गांव में 1500 पुरुष हैं, 1500 महिलाएं हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों बराबर हैं भाई, अगर आंकड़ा गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ है। आगे कहता है इसमें 1000 बच्चे भी हैं, इन आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पहले तो निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो टोटल जनसंख्या सब 4000 है। नीचे देखिए कह रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ पे भी एक शब्द की गलती है,
वृत्त लिखा जाएगा बाबू यहाँ पे, व्यक्ति नहीं, वृत्त मतलब सर्कल। ध्यान रहे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वृत्त, जहां पे हमारा ये चल रहा है कर्सर। आप अपनी इच्छा अनुसार वृत्त की कोई भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लेते हैं, मतलब कोई भी त्रिज्या ले लेंगे और त्रिज्या से क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। फिर उसके ऊपर दिए गए सूत्र के द्वारा आंकड़ों से संगत त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाए जाने वाले कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको करने के बाद क्या करते हैं, वृत्त की कोई एक त्रिज्या को परिधि से मिला देते हैं और इस त्रिज्या से प्रारंभ करके चांदी की सहायता से, सॉरी यहाँ पे चांदा रहेगा, चांदा जानते हो जिसे कोण ओण बनाते हैं, चांदे की सहायता से वृत्त के अपेक्षित कोणों के त्रिज्यखंड ओ में विभाजित कर लेते हैं। देखिए इसमें तीन शब्द की गलतियां मिली टाइपिंग की, आप उसे समझ गए होंगे, सही कर लीजिए। यहाँ पे चांदी और चांदनी की बात नहीं हो रही है, नहीं तो पढ़ाई से दूर हट जाओगे, यहाँ पे आपको चांदा लिखना है। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं, ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आई होगी लेकिन हम जो अब हल करेंगे वो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यही तो समझना है। ये तो गणितीय परिभाषा थी, मैंने एक फर्ज निभाया आपको दिखाया। क्वेश्चन आप देख गए हो, एक गांव में 1500 पुरुष हैं, 1500 महिलाएं हैं, 1000 बच्चे हैं। इन आंकड़ों को पाई ग्राफ के द्वारा दिखाई, तो हमें क्या करना है, मेन पाई ग्राफ बनाना है और एक चार्ट बनाना है, चार्ट नहीं चार्ट देखो, पद कुल संख्या और त्रिज्यखंड के कोण। क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड के कोण, ठीक है। आप ये तीन कॉलम बना लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, तो बना लो भैया। पद का मतलब कितने पद हैं, पहला क्या है पद नाम क्या है, पुरुष, ये क्या है? इनका एक पद है, ये संख्या 1500 है, कितना है 1500। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, आपने पीछे देखा होगा, नहीं थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखिए, क्या बताया था, त्रिज्यखंड के कोण बराबर बताया था ना, कि 360 से गुणा करेंगे और इसको किससे मल्टीपल करेंगे, अरे भाई कुल जो संख्या है ना ये बारंबारता योग से भाग दे देंगे। तो भाई कुल संख्या कितनी है पुरुषों की, 1500 ही तो है, क्या कितनी है 1500 है ना, टोटल कितना है 4000 है, अभी आपने देखा कुल जनसंख्या 4000 है, तो हल कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट दो ऊपर, ये भी कट गया, 15 × 90 उधर दिख रहा है ना, 15 × 90 हाँ फिर 9 × 15 = 45 नौ कितना हो जाएगा, 15 × 45 5 × 50 = 54 40 हो रहा है, आधा हो रहा है, गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना, नहीं सही, नो गड़बड़, ये 4 भी तो बचा है, लिख लो 4 से काट दो, 4 × 4 12 चल, मतलब ये एंगल जो आ गया भैया 135 अंश आ गया, हमने इसे दो बार में हल किया इसलिए ये ऐसा हुआ, कितना आया 135 अंश, एक बार में काट सकते हो यहाँ भी, मैंने थोड़ा वहां कर लिया, एक लाइन और बढ़ गया। चलिए अगला क्या है, महिला, ध्यान देना लेडी फर्स्ट वाले इधर देखो, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे जुगाड़ से, बाकी आप चाहो तो पूरा नीचे लिख सकते हो, थोड़ा आगे जगह नहीं है, पुरुषों की लाइन में लेडीज को बगल हो जाना चाहिए साइड में, मतलब अलग अलग लाइन लगेगी तो अच्छा रहेगा दोनों दिख, इनमें भी वैसे ही करेंगे 360, टोटल इनकी संख्या कितनी है 1500, ये भी किसी से कम नहीं, टोटल पॉपुलेशन 4000 है, वो भी वैसे ही हल करना है, तो मुझे बराबर आ जाएंगे, हाँ बराबर आएंगे, सीधी बात है आज के जमाने में पीछे कहाँ है, बराबर है तो बराबर ही आएगा, कट जाएगा तीनों जीरो काट लो, इनको हम एक बार में हल कर देते हैं, 4 × 9 = 36 15 × 9 = 135 इसी तरह से आप इसको भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो भाई महिलाएं पुरुष की बात हो गई तो फिर यहाँ पर महिलाएं और पुरुष हो, वहां बच्चे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बैठेंगे देखो की संख्या कितना है 1000, तो क्या करेंगे, इनको भी ऐसे कर देंगे 360 1000, टोटल नंबर कितना है 4000, फिर इनके 3 × 0 = 4 सब काट दो, 4 × 9 = 36 कितना आ रहा है, ये 3 जीरो कट गया ना, ये 90 डिग्री आएगा,
लेकिन 90 डिग्री कैसे आएगा, आप जरा सोचिए भाई, तीन जीरो, ये यहाँ पे एक जीरो नहीं कटेगा, जो इसका काट दिया लप्पा से ना, ये नहीं कटेगा, ये 360 रहेगा, चार से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये जीरो इसके बगल वाला बचेगा ना एक, ये 90 आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, बस आपको अब एक ग्राफ बनाना है बस सीधा, मतलब मेन जो पाई ग्राफ है इन्हीं एंगल का आपको यूज करना है, ये मेन है, ये जो कोण मैंने निकाले हैं ना इन्हीं को रखना है, एक पाई ग्राफ बनाना है। जल्दी से आप इसे लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा ये कपड़ा वपड़ा भिगो लेता हूँ मिटाने के लिए, हाँ दिखा दूँ अगर आप कहो तो, लेकिन मैं बेइज्जती काहे करवाऊँ दिखा, चले तो चलो जल्दी से फटाफट हो गया। चल भैया रेडी, अब क्या करेंगे, इसी पे हमें बनाना है वृत्त का ग्राफ। आप लिख लिए होंगे, लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, लिख लीजिए। देखिए इसकी जो कहानी आप हिंदी में पढ़ते हो वो समझ के बाहर है, मुझे खुद नहीं समझ में आता उसकी कहानी, हाँ लेकिन जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना बहुत मजेदार है, तो कोई दिक्कत। एक सर्कल बना लो सीधी, कोई बनाया नहीं हूँ, बन ही गया संयोग मात्र है, और कुछ मत समझना, चलो बंद हो जा भाई, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए दो कोण आए थे, तीन कोण आए थे, 135 अंश का आया था, 135 का आया था, 55 का 90 आया था, यही आपको इस पे दिखाना है। जैसे जैसे अभी मैंने पिछले पूरा सिस्टम बताया था ना वैसे ही करना है। एक बार फिर मैं दिखा दूं इसको कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पे आ जाओ, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आ जाइए, देख लीजिए कैसे बनाना है, तरीका देख लीजिए। देखिए मेरा पाई ग्राफ को बनाने के लिए पहले एक वृत्त खींचा जाता है, और मैंने वृत्त को बना लिया, खींच लिया। इस वृत्त को ऐसे त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं जिसका क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हो, मतलब इनको बांट देना है अलग अलग, ठीक है। जैसे तीन भाग में इनको विभाजित करना है, क्योंकि आपने देखा महिलाएं पुरुष और बच्चे हैं। उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है केंद्र पर बने कोण का समानुपाती होता है, इसलिए केंद्र ओ पर बने कोण जो है वो यहाँ पर देखो दिया गया है, हाँ ये सूत्र लगाना है, आप सभी जान ही रहे हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए कैसे बनाते, कैसे अपनी इच्छा अनुसार वृत्त की कोई भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर दिए गए सूत्र के द्वारा आंकड़ों का संगत त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों का मान निकाल लेते हैं। ये तो हो गया, तो कुछ करना है नहीं, मैंने कोण निकाल लिया है। फिर वृत्त की कोई एक त्रिज्या को परिधि से मिला देते हैं, त्रिज्या से प्रारंभ करके चांदे की सहायता से वृत्त के अपेक्षित कोणों के त्रिज्यखंड वो में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी, चलो कहानी हो इस, आ जाओ फिर इसके फायदे देता हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं ले गया था क्या स्क्रीन पे, अभी इसके पहले जो मैं पढ़ा, जाने दो आप सुन तो लिए ना, मुझे कोई देख रहे थे क्या शायद आप लोग, लेकिन आप लोग सुन लिए ना, पीछे बैक करके देख लो, मैं दिखा दिया हूँ वो सब, ठीक है। तो कोई भी इसकी एक भाग को इससे मिला देते हैं, तो बाकी कुछ नहीं करना, कोण निकालने के बाद ऐसे एक मिला दो, कोई भी तरफ को एक त्रिज्या मिला दो, फिर चांदा रख करके आप इन कोणों को बना लोगे बारी बारी। चांदा जानते हो जिससे कोण बनाते हैं, यहाँ कहीं पड़ा होगा मेरे पास में, तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं खोजना पड़ेगा, आप लोग पढ़े लिखे हो जानते हो चांदा क्या होता है ना, जानते हो, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देखो अभी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, देख लो, देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया, चांदा बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो आप फिगर में देख रहे हो चित्र में, इस पे रख करके 135 अंश का कोण खींच लेंगे, अगर आप अपनी तस्वीर में लगा रखा है तो 135 अंश का कोण एकदम साइड में दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। 135 अंश आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे आप इसे रखोगे तो 135 अंश का कोण आपको इधर वाला लेना है, इधर वाला, यहाँ पे देखो 130 है जहाँ हमारा ये जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा मेरा कर्सर माउस का, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या जा रहा है, 30 जा रहा है, उसके बगल क्या 140, 140 और 30 की क्या है 135 वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 135 अंश का इसमें एंगल ड्रा कर लेना है, तो 135 अंश का इस पे जो एंगल ड्रा करेंगे तो ये लगभग 90 का सीधा सीधा बनता है, आप जानते हो ये थोड़ा पीछे को लटकेगा, हाँ
बनेगा ना, ये ऊपर वाला जो एंगल है भैया ये क्या बन जाएगा 135, और हमें 135 इधर साइड में भी बनाना है, तो ये इधर साइड को थोड़ा सा लचक रहा है, नीचे वाला एक सीधा फिदर 90 बनेगा, याद रखना ये क्या है 135, बस इसी को हमें बनाना था। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे और इनको अलग अलग आकार में आप दिखा दीजिए, जैसे आप थोड़ा थोड़ा रंगीन कर देना जिससे अच्छा लगे, अलग अलग तरह तीनों खाने होने एक ही जगह है, ये आपका हो गया अलग तरह से, तो आप ऐसे कैसे कर देना, थोड़ा बहुत ये पाई ग्राफ हो गया। क्या कोई भी डाउट है तो बताइए, हाँ ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए, हो गया पाई ग्राफ, बस यही बनाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिखाया वो पाई ग्राफ के द्वारा बना हुआ, ये एक आपका कंप्लीट सलूशन।